हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे ES6 का टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के सर्टिफिकेशन में हम चले जाते हैं फ्री कोड कैंप पे और इसका हम बेसिक जावास्क्रिप्ट को कोलैप्स कर देते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है ES6 का, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ES6 बेसिकली क्या है जी? ECMAScript और ES स्टैंड्स फॉर ECMAScript, ठीक है जी। ES6 जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का वर्जन है जो कि रिलीज इन 2015, सो दैट इज़ वेरी लाइक माइनर थिंग टू बेसिकली नोटिस के जो ES6 है वो 2015 में आई है और ES7 जो है वो 2016 में आई है और ES8 जो है वो 2017 में आई है। तो ये एक साल जो है पीछे चल रहा होता है इनका, सही है जी। और बाकी लेकिन एक्सेप्ट फॉर ES5, वो 2009 में आई थी, ठीक है ना। वो ES5 जो है 2009 में आई थी और ज़्यादा सपोर्टेड ES5 होती है ज़्यादातर। तो ES6 और ऑनवर्ड्स जो है वो हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट हैं जो बेसिकली नोड जेएस और रिएक्ट जेएस वगैरह में, एंगुलर में, जितने भी बाकी रिएक्ट नेटिव में, सब में ये सिंटैक्स यूज़ होता है एडवांस जावास्क्रिप्ट का, ठीक है जी। तो इसमें अक्सर औकात जो है ना एसिंक्रोनस के लिए जो हमारे पास फीचर्स हैं और से प्रोमिसज हो गए और एरर फंक्शंस हो गए, डिस्ट्रक्चरिंग हो गई, क्लासेस का कीवर्ड हो गया, क्लास का कीवर्ड हो गया, क्लासेस हो गई, मॉड्यूलर सिस्टम हो गया, वो हमारे पास ES6 में ये सब क्या होते हैं ये सब इसमें कवर करेंगे, ठीक है जी। हम चलते हैं अपने पहले टास्क की तरफ। कंपेयर स्कोप्स ऑफ द वार एंड लेट कीवर्ड्स। लेट और कॉन्स का कीवर्ड भी हमारे पास ES6 में आया है। पहले सिर्फ वार होता था जब हम कीवर्ड बनाने के लिए यूज़ कर, कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए जब हम यूज़ करते थे। इफ़ यू आर अनफेमिलियर विद लेट, चेक आउट दिस चैलेंज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वार। तो ये हम पहले देख लेते हैं, चलें। इसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, डिफरेंस मैं समराइज कर देता हूँ कि वार कैंपर इज इक्वल टू जेम्स। हमने किया, हमने बोला यार कैंपर के अंदर एक वेरिएबल बनाओ कैंपर नाम से, उसमें जेम्स की वजह रख दो, तो ये हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने जो ना अनइंटेंशनली कह रहे हैं नीचे जाने के बाद हमने ना एक और कैंपर के नाम से वेरिएबल बनाया, तो हम समझे शायद हमने वार कैंपर के नाम से नहीं बनाया होगा, तो वार कैंपर हमें बनाने देता है, अलाउ करता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये कभी कभी अनइंटेंशनली भी हम जो है ना, अगर ऐसे हो जाए कि हमें बताना हो कैंपर नाम का बनाए नहीं बनाओ, दोबारा बना देता है। लेकिन अगर आपने यही काम लेट से करेंगे ना, यही काम, तो लेट जो है ना, देखिए अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं, लेकिन ये काम अगर मैं लेट से कर दूँगा तो देखिए एरर आने लग गया कैंपर में, देखिए आइडेंटिफाई कैंपर इज ऑलरेडी बीन टेकन। तो ये लेट का और वार का डिफरेंस है, आप वो लेट दो बार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जैसे एक्स लिखते हैं हम, लेट एक्स इज इक्वल टू जेम्स, लेट एक्स इज इक्वल टू डेविड, एक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हम यूज़ करते हैं, तो वार तो होता तो करने देता है, लेट हमें हमने इंटीमेशन दे देगा भाई कि नहीं यार ये मसला है, आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो तो आपने यूज़ नहीं करें। अगर आपने उसी को मॉडिफाई कर रहे हो तो लेट हटा दो, लेट हटा के मॉडिफाई कर लो, कोड विल वर्क फाइन, ठीक है जी। अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा हमने पढ़ लिया, अच्छा व्हेन डिक्लेयर वेरिएबल विद वार कीवर्ड इट इज डिक्लेयर्ड ग्लोबली और लोकली इफ दिस इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है जी। तो वार बेसिकली ग्लोबली होता है वार, ठीक है, वो उसके अंदर जितने भी फंक्शन आ रहे होते हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आते हैं या मतलब उसके एरिया में जो भी फंक्शन होते हैं, या अगर उस फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन किया है तो उसका स्कोप लोअर है उसी फंक्शन तक ही है। लेट कीवर्ड बिहेव सिमिलरली बट विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर भी है। व्हेन डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द लेट कीवर्ड इनसाइड अ ब्लॉक स्टेटमेंट और ब्लॉक स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू दैट ब्लॉक स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, सही जी। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर बार आई मैंने किया है एज इक्वल टू जीरो तो वो बार आई डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी बार आई हमें मिल जाएगा। लेकिन यही काम हम लेट से नहीं कर सकते, लेट आई इक्वल टू जीरो यहाँ पे हमें आई नहीं मिलेगा, सॉरी यहाँ पे हमें आई नहीं मिलेगा, दैट आई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये मैंने एक ही लाइन में लिखा था, जो फॉर लूप के अंदर मैं लेट करके लिख रहा होता ना उसका स्कोप बस इसी तक रहता है, यहीं तक आ ही रहेगा, बाद में हमें नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा काम और प्रॉब्लम हमें साथ में करना है, फिक्स कोर्स द आई डिक्लेयर्ड इन द स्टेटमेंट इज अ सेपरेट वेरिएबल देन आई डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। तो जो हमने ये जो ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप से यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आई थी ब्लॉक स्कोप की, ब्लॉक स्कोप क्या होता है भाई, ये जो भी ब्लॉक शुरू हुआ है ना कर्ली ब्रेसेस शुरू होने होता है ब्लॉक स्कोप। फंक्शन स्कोप क्या होता है, जो भी फंक्शन के अंदर का जो कर्ली ब्रेसेस है ना ये स्पेशली फंक्शन स्कोप है, ये पूरा का पूरा फंक्शन स्कोप है, ठीक है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये इसके इसका जो हो गया ये ब्लॉक है। फॉर लूप लगा होगा तो जैसे ये फॉर लूप है यहाँ पे, ये क्या है, ये फॉर लूप का स्कोप है, ये भी ब्लॉक स्कोप है फॉर लूप का, ठीक है जी। इसके अंदर लगा ब्लॉक स्कोप है, ये हो गया आपका फंक्शन स्कोप। और एक जैसे वार आई जो है ये यहाँ तक ही है, यहाँ कम इसके नीचे नहीं मिलेगा अंदर डिफाइन होगा। अगर वार आई हमने बाहर डिफाइन किया होता ना यहाँ ग्लोबल हो जाता है, कह रहा था ग्लोबल स्कोप है, तो यहाँ वार आई किया तो अंदर फंक्शन के भी मिलेगा हमें, जैसे मतलब वार नेम कर लें तो अंदर भी मिलेगा नेम और नीचे भी मिलेगा नेम, क्योंकि ग्लोबली डिफाइन हो गया, ये तो ग्लोबल स्कोप, ठीक है ना। यहाँ जो वेरिएबल डिफाइन होंगे न्यू डिक्लेयर होंगे वार करके या लेट करके,
वो लेट करके स्पेशली वो खाली ब्लॉक स्कोप होंगे, वो नीचे हमें नहीं मिलेंगे रेड वाले। ठीक है जी, तो ये होता है तीनों स्कोप्स का डिफरेंस। अब हमें इस टास्क में क्या करना है जी, डिक्लेयर इन द इफ स्टेटमेंट इज अ सेपरेट वेरिएबल एंड आई डिक्लेयर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन वी सर्टेन नॉट टू यूज द वार गिवर एनी वेन यूड। हम ये कह रहे हैं कि ये जो वार यहाँ किया हुआ था, ये वार ये इसी को ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि हमने इसी को ओवरराइड कर रहा है, तो मैं यहाँ दोबारा वार लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं चेस करके देखता हूँ, और वार शुड नॉट एग्जिस्ट इन कोड, सॉरी। तो अब हमें वार यूज नहीं करना, हमें यूज करने हैं लेट दोनों जगह। ठीक है जी, तो ये हमारा टेस्ट होता है क्लियर। बाकी आगे की मैं सेक्शन में पढ़ लेते हैं। तो यूज वी सर नॉट यूज वार कीवर्ड एनी वेयर इन योर कोड, कहीं भी यूज किया हमने दोनों जगह से वार हटा दिया, लेट कर दिया। दिस एक्सरसाइज इज डिजाइन टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन हाउ वार एंड लेट कीवर्ड्स असाइन स्कोप टू द डिक्लेयर्ड वेरिएबल। ये बस ये बताने के लिए था कि लेट वार और लेट जो है कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। देखिए यहाँ जो लेट आई है ये ब्लॉक स्कोप, जैसे मैं जब यहाँ आऊँगा ना तो यहाँ फंक्शन स्कोप इज ये वाला ही प्रिंट होगा, फंक्शन स्कोप वाला। सही है, देखिए फंक्शन स्कोप वाला प्रिंट हो रहा है अंदर जो है, जब ये प्रिंट हो रहा है ब्लॉक स्कोप इज ये ब्लॉक स्कोप प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई फंक्शन स्कोप प्रिंट हो रहा है, आई वही वाला पिछला वाला उठा लिया उसने, यहाँ पे ये खत्म हो गया आई। ठीक है जी, व्हेन प्रोग्रामिंग अ फंक्शन सिमिलर टू द वन यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज इट इज ऑफन बेटर टू यूज डिफरेंट वेरिएबल नेम्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन। और बेटर ये तरीका यही है, वैसे ही आई एक बार यूज कर लिया ना आप, अगर यही फंक्शन के अंदर है तो इसको कोई और नाम दे दें, ध्यान ही छोड़ाएं कि वो आई सेम होगा डिफरेंट होगा सेम होगा डिफरेंट होगा। आसान तरीका ये है कि आप नाम ही चेंज कर लें। ठीक है ना, तो अब इस झंझट से बढ़ जाएंगे, बच जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। सॉरी ये मैं साइन इन नहीं किया हुआ, मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, साइन इन कर लेते हैं, चलें जल्दी से हम। हो गया जी, ठीक है जी, इसको मैं दोबारा रन करके देखता हूँ। म्यूटेट एन एरे डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट। ठीक है जी, इसमें हमें क्या करना है, इफ़ यू आर अनफेमिलियर विद कॉन्स्ट चेक आउट दिस चैलेंज अबाउट द कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट भी हम देख लेते हैं वैसे। ठीक है जी, कॉन्स्ट भी हमने देखा है, पहले तो हमने देख लेते हैं कि भाई हमें ये पता है कि बार और लेट जो हैं ये हम वेरिएबल बनाते हैं, और कॉन्स्ट कीवर्ड जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, ये रीड ओनली होता है। नाम से भी वैसे पता चल रहा है कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, रीड ओनली, अगर इससे हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। जैसे ये हमने किया है कॉन्स्ट फेफ पैड है, फेवरेट पैड हमारी, अगर कैट्स हैं फेवरेट पैड, तो फेवरेट पैड इज इक्वल टू डॉग्स आप नहीं कर सकते, दिस विल डिस्प्ले एरर ड्यू टू रीअसाइनिंग द वैल्यू ऑफ फेफ पैड। आप रीअसाइन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल को, नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं यहाँ पर, इधर लाइन में एरर आएगा, इस लाइन ये चल जाएगी, इसके बाद इस लाइन में एरर आएगा, क्योंकि आप एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो था फेवरेट पैड उसमें दोबारा एक नई वैल्यू डाल रहे हो ना, कैच डिफाइन कर दिया तो कर दिया, इस कॉन्स्ट हम बनाते हैं कि हमें उसके बाद दोबारा वैल्यू चेंज नहीं करनी। चलिए इसका इसमें हम इतना ही समझना था हमें कि कॉन्स्ट करता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ तो बार बार तो करने देगा, लेकिन अगर मैंने इसे कॉन्स्ट कर दिया, ठीक है, और इसे भी मैं कॉन्स्ट कर दूँ, तो ये एरर आ जाएगा, कॉन्स्ट फैक्ट इज कूल और फैक्ट इज ऑसम, तो फैक्ट इज रीड ओनली एरर आ गया। तो ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इस टास्क को मैं सबमिट नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, इन द कोड बॉक्स द कैंपर वेरिएबल इज ओरिजिनली डिक्लेयर्ड एज जेम्स एंड इज डिक्लेयर्ड एज जेम्स एंड इज देन ओवररिटन टू बी डेविड। ठीक है जी, तो इसमें हम वार को ओवरराइट कर रहे हैं डेविड से, द कंसोल देन डिस्प्लेज द स्ट्रिंग डेविड, वार तो ओवरराइट हो जाता है, सॉरी माय बैड, हम ये इसमें है ना, सॉरी ये हम इसमें पुराने वाले पे आ गए, इसमें हमें आना है बैक करके कॉन्स वाले पे। इफ यू आर अनफेमिलियर विद कॉन्स चेक आउट दिस चैलेंज, देखिए हमें कॉन्स की एग्रीगेशन हैज मेनी यूज केसेस इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में काफी ज्यादा कॉन्स यूज होता है, ये आपने मेक श्योर करना है कि कौन सबसे ज्यादा आपने यूज करना है, और अगर कॉन्स्टेंट वेरिएबल नहीं है तो आप लेट यूज करेंगे और वार तो भूल जाएं, वार अब हमने यूज करना ही नहीं है। सम डेवलपर्स प्रेफर टू असाइन ऑल देयर वेरिएबल्स यूजिंग कॉन्स्ट बाय डिफॉल्ट अनलेस दे नो दे विल नीड टू रीअसाइन द वैल्यू, ओनली इन दैट केस दे यूज लेट। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि आपने कॉन्स्ट यूज करना है प्रेफरेबली वरना लेट, और वार तो भूल जाए। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोजेक्ट्स that objects including arrays and functions assigned to a variable using const are still mutable। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है कि arrays और functions जो हैं या objects जो हैं ये सारे mutable हैं, const भी बना दें इन्हें, ये mutable, mutable का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बायो वगैरह में आपने पढ़ी हुई होगी जिस चीज़ को ऑल्टर कर सकें। ठीक है जी, तो जीन्स वगैरह होती हैं, डीएनए वगैरह होता है, म्यूटेट हो गए थोड़ा बहुत, जैसे कि पेरेंट का चाइल्ड में भी थोड़ा म्यूटेट हो जाता है,
एग्जैक्टली नहीं आता, थोड़ा सा जीन मोटिवेटेड हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो उसी वही एनालॉजी अगर वैसे उस जैसी ही बात म्यूटेट का, बट वहाँ से ज़्यादा सूटेबल है वैसे ही है कि थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना। तो कौन सा हमने देख लिया यार, म्यूटेट तो नहीं होता कोई भी वेरिएबल है दूसरा, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन म्यूटेशन थोड़ी सी हम कर सकते हैं। जैसे एरे या ऑब्जेक्ट हमने बनाई है कौन से, तो वो म्यूटेट हो जाएगी। जैसे कौन से डिक्लेरेशन वाली प्रिवेंट सीरियस असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल आइडेंटिफायर, पूरा का पूरा नया नहीं बना सकते आप, पूरा पूरा नहीं बना सकते, लेकिन जैसे कि ये तो लाइनें हैं कॉन्स्ट एस इक्वल टू 5 6 7, एस इक्वल टू 1 2, ये नहीं कर सकते। रीअसाइनमेंट पूरी पूरी नया वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एक इंडेक्स पे चेंज करना है, जैसे एस ऑफ 2 चेंज कर रहे हैं ये, तो ये लाइन चल जाएगी, ठीक है जी। ये वाली लाइन एरर दे देगी, लेकिन ये वाली लाइन चल जाएगी आपकी, और ये वाली लाइन एरर दे देगी, लेकिन ये वाली लाइन चल जाएगी। अगर मैं इसे कॉमेंट कर दूँ, हम इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। अभी अपना पूरा कोड ये वाला कॉमेंट करता हूँ, ठीक है जी। तो अभी आपका क्या आ रहा है, टाइप एस एस रीड ऑन, ये किस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में। अगर मैं इस लाइन में कॉमेंट कर दूँ तो देखें एस ऑफ 2 मेरा चल गया, और एस ऑफ 2 क्या प्रिंट हुआ, 5 6 एंड 42, ठीक है। तो दिस वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, इसके म्यूटेट कर सकते हैं, कैन नॉट रीअसाइन, या मैं लिख देता हूँ कैन नॉट रीअसाइन बट म्यूटेट, बट यू कैन म्यूटेट, ये होती है म्यूटेशन। एक जगह पे थोड़ा सा चेंज किया ना, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, पूरा पूरा रीअसाइन नहीं कर सकते, पूरा नहीं बदल सकते, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, एज यू कैन सी यू कैन म्यूटेट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एंड द वेरिएबल एस विल स्टिल पॉइंट टू द ऑल्टर्ड एरे, ठीक है। लाइक ऑल एरेज एरे एलिमेंट्स इन एस आर म्यूटेबल, बट बिकॉज कॉन्स्ट वॉज यूज यू कैन नॉट यूज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर टू पॉइंट टू, ये वही बात हो गई, बस रीअसाइन नहीं कर सकते, म्यूटेट कर सकते हैं। अभी क्या इसका टास्क ये है आपका, एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्ट, चेंज एरे टू दिस यूजिंग वेरियस एलिमेंट असाइनमेंट, इसको इवेंचुअली अपने फॉर्म में लेकर आना है, लेकिन म्यूटेट करके इसके एस को इसके बराबर कर दिया। अगर आप मैं शॉर्टकट मारूँ, मैं ये लिख दूँ एस इज इक्वल टू दिस, में शॉर्ट मट मार दूँ तो ये वुड वेरी इनवैलिड हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकता मैं, मुझे ये लाना है तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, एरर आना शुरू हो गया, एस इज रीड ओनली वुड बी इनवैलिड। हमें क्या करना है, वेरियस म्यूटेशंस करनी है। तो पहले पे 2 चाहिए, तो मैं एस ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। दूसरे पे क्या चाहिए, 0 इंडेक्स होती है ना, 0 से शुरू होती है, दूसरे 5 चाहिए, और आखिरी में क्या चाहिए जी, 7 चाहिए। हो गया हमारा काम, ये सारा सही है, रन करके देखते हैं, पास हो रहा है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, प्रिवेंट ऑब्जेक्ट म्यूटेशन। जैसे मैं देख लिया कि एरे म्यूटेट होती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी म्यूटेट होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेकिन उसको रोकना है, तो शॉर्टकट में बता रहे हैं प्रिवेंट, अब उसको रोका कैसे जाए, ऑब्जेक्ट की म्यूटेशन को रोका कैसे जाए, आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज लगा सकते हो। अब देखिए जैसे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज अगर नहीं है यहाँ पे ये लाइन, तो समझे क्या होगा, इसको मैं चला के देखते हैं पहले, सबने पहले इस कोड को करते हैं कॉमेंट, अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तो आ रहा है कि रनआउट रीड ओनली प्रॉपर्टी है, अभी इस लाइन को करते हैं कॉमेंट, लेट को कर दें कॉन्स्ट। तो अभी कॉन्स्ट करने के बावजूद क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है, हमने रिव्यू और न्यू प्रॉप को चेंज कर लिया, बैड टेस्ट, फ्री कोड कैम का रिव्यू आ गया बैड, पहले था ऑसम और फिर हमने कर दिया बैड, और न्यू प्रॉप भी ऐड कर दी टेस्ट, तो ये म्यूटेड हो गई, ना सिर्फ वैल्यू चेंज हुई और एक आध ऐड भी हो गई, ठीक है। तो ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि म्यूटेबल होता है भले कॉन्स्ट यूज किया हो। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नहीं कर सकता था, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट ये नहीं कर सकता था, रीड ओनली आ गया ना, ये कॉन्स्ट है, पूरी नई वेरिएबल बना सकता है लेकिन म्यूटेट कर सकता हूँ। लेकिन म्यूटेशन भी अगर रोकनी है तो हमारे पास क्या कीवर्ड है, फ्रीज का। अगर ये हमने यूज़ कर लिया तो फिर इस लाइन से एरर आना शुरू हो जाएगा, सही है, रिव्यू इसको मैं म्यूटेट अब नहीं कर सकता। तो ये है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज की खासियत, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यू आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज टू प्रिवेंट मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम चेंजिंग, ठीक है ना, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स को चेंज होने से आपने बचाना है। आपने जो ना मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट अभी तक पाए लिखा ना, कॉमा लगा के और भी तो सकते हैं, तो अभी फिलहाल अगर पाए है तो हमें इसके अंदर की कोई भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो कॉन्स्ट हमने बना दिया लेकिन अंदर कुछ भी चेंज ना हो तो हमें उसको फ्रीज भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज करके देख रहा है 99, अभी तो ये चल रहा है कोड, अभी कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रोकना है मुझे तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, और मैं इस ऑब्जेक्ट को कर दूंगा फ्रीज। कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक से बचाने के लिए। अब जब मैंने ये फ्रीज कर दिया तो ये आ गया एरर। अब हम रन करके देखते हैं हमारे टेस्ट हो रहा है क्लियर, भले वहाँ एरर आ रहा है लेकिन हमारा पर्पस हमें ये था कि हमने उधर उसको एडिट करने से बचाना है टास्क का, ठीक है। ये पॉपअप को हम डिसमिस कर देते हैं। आगे है यूज एरर फंक्शन टू राइट एरर फंक्शंस टू राइट कंसाइज एनोनिमस फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, एरर फंक्शन यूज करने हैं टू राइट कंसाइज एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस फंक्शंस बनाने हैं, एनोनिमस फंक्शंस वो हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है जी।
anonymous functions बनाने के लिए हम ये basically एक normal syntax use कर रहे थे, ये वाला, ये आपका normal JavaScript का syntax है, ES5 तक यही होता था, अभी हम इसी पे आए थे, जैसे ये magic is equal to function, अगर मुझे इसको call करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, अब मुझे magic को call करना है, मैं इसे call करूँगा, तो इन function चल रहा है, सही है ना, ये function एक anonymous function है, ये anonymous function है, ठीक है, anonymous function है क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, अगर नाम वाला कैसा होता है, मेरा function, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी, तो ये क्या है आपका, इधर function का हमने एक नाम रखा है, मेरा function, ये है not, ये anonymous नहीं है, ये खाली मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए कि एनोनिमस और नॉन एनोनिमस क्या होते हैं, ये एनोनिमस नहीं है, ये एनोनिमस है क्योंकि इसका नाम नहीं है, इसको हमने एक वेरिएबल में सेव कराया है, जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल भी है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो क्योंकि ये फंक्शंस को भी इसको एज अ वेरिएबल आप ट्रीट कर सकते हो, एक फंक्शन को सिर्फ फंक्शन पास कर सकते हो, फंक्शन को वेरिएबल में सेव कर सकते हो, इसलिए इसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट, ये कहा जाता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो बड़ी पावरफुल है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सपोर्ट करती है, फंक्शनल भी सपोर्ट करती है, स्क्रिप्टेड तो ये है ही, मुख्तलिफ फीचर्स हैं इसके, तो अभी फंक्शनल पे हम फोकस करेंगे, ये फंक्शनल की खूबी है कि एक फंक्शन को हमने एक वेरिएबल में सेव करते हैं, तो बेसिकली बिहेव एक फंक्शन की तरह ही कर रहा है, उसको हम कॉल फंक्शन की तरह कर सकते हैं, तो एनालॉजी अगर आपको नहीं समझ में आई डजेंट मैटर, अभी सिर्फ हमने ये पर्पस था कि ये तो नॉर्मल हमें ES5 का सिंटेक्स है, ये भी ES5 का सिंटेक्स है, अब हम देखेंगे ES6 में इसी फंक्शन को हम एक एरो फंक्शन की तरह लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे इस फंक्शन को बनाना होगा तो बेसिकली वो क्या करता है, हम लिखेंगे जी बार को हमें बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट, हमारे होते हैं फंक्शंस सारे के सारे एनोनिमस फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं कॉन्स्ट से बनते हैं, और हम एक लेते हैं इज इक्वल टू के बाद एम्प्टी एरे अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये होती है आर्गुमेंट्स की जगह, और ये इम्प्लाइज बताता है अब यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन शुरू, जो ये ब्रैकेट शुरू होते हैं ना वो फिर आगे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं और हम ये पेस कर देंगे, तो हमारा जो मैजिक है अब देखें ये अब नहीं चलेगा, अब चल रहा है, ठीक है, मैजिक अब ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है और इन फंक्शन सेम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, तो ये है इसका कन्वर्टिंग इनटू एरो फंक्शन, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन होता है, अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये अब इसमें फ़ायदा एक तो ये हो गया कि यार फंक्शन का कीवर्ड से जान छूट गई, हमें थोड़ा सा कंसाइज हो गया, छोटा हो गया, उसके अलावा हमारे पास ये होता है कि अगर हमें एक ही वैल्यू रिटर्न करनी थी, रिटर्न न्यू डेट कंसोल डॉट लॉग में अगर हटा दूँ, और अगर मैं ये भी हटा दूँ, ब्रैकेट्स भी हटा दूँ और खाली ये लिख दूँ, तो वो खुद समझ जाएगा कि मुझे न्यू डेट रिटर्न करनी है, और ब्रैकेट लगे हुए हैं और रिटर्न लिखा हुआ है, तो इस तरीके से मैंने रिटर्न भी हटा दिया और ब्रैकेट्स भी हटा दिया, जो ये हम ये कर रहे हैं, अगर वैल्यू रिटर्न हो रही थी तो डायरेक्ट उन्होंने ब्रैकेट भी हटाया और रिटर्न भी हटाया, एक लाइन में लिख दिया, तो ये होता है शॉर्टकट। अब बेसिकली हमारा टास्क था क्या, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ कि हम उस पर चले आते हैं कि हम कर क्या रहे थे, एक्चुअली यहाँ पे कोड क्या था, ठीक है, ये हमारे पास कोड है, हमें क्या करना है, हमारा टास्क है रीड द फंक्शन असाइन टू द वेरिएबल मैजिक विच रिटर्न्स अ न्यू डेट टू यूज एरो फंक्शन सिंटैक्स, ऑल्सो मेक श्योर नथिंग इज डिफाइंड यूजिंग कीवर्ड वार, वार से कुछ भी नहीं होना चाहिए, एरो फंक्शन है तो हमें पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको देख देख के हम बनाएंगे, वार हमें हटाना है, एरो फंक्शन जब भी यूज होते हैं हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, फंक्शन का कीवर्ड भी हट जाता है, ब्रैकेट लगे रहते हैं, इंप्लाइज डेट लगाना पड़ता है और ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं अगर मल्टीपल लाइन हो, एक ही लाइन है अगर, तो आप उसको एक ही लाइन में ले जाएं, और रिटर्न की स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है अगर ब्रैकेट नहीं है तो, यही वैल्यू है तो इससे हमारा ये हो गया टास्क कम्प्लीट। पैरेलल फंक्शंस विद पैरामीटर्स, अगर पैरामीटर्स हैं उसके, अगर यानी कि जो इनपुट भी कुछ आ रहे हैं तो सिंपल सी कॉमन सेंस से इतना मुश्किल नहीं था, बस इसमें तो जो ब्रैकेट यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा था उसमें वो ब्रैकेट वही आ जाएंगे आइटम। अच्छा इनफैक्ट देयर इज वन मोर थिंग टू नोटिस कि अगर एक ही आइटम है तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा जब हो जाए लेकिन सैराउंड ब्रैकेट भी नहीं है तब आप ब्रैकेट लगा लें, ठीक है जी, और अगर सही है, अच्छा आगे चलते हैं, अब क्या करना है हमें इस फंक्शन में, क्या करना है कि रीराइट द माई कॉन्केट फंक्शन विच अपेंड्स कंटेंट्स ऑफ योर टू एरर सो दैट द फंक्शन यूजेस एरो फंक्शन सिंटैक्स। अब हमें क्या करना है, रीराइट करना है इसको, कन्वर्ट ही करे एयर टू एयर वन को, ये तो लिखा हुआ है इसने, लेकिन एरो फंक्शन यूज़ करना है हमें, कन्वर्ट करना है, सो सिंपल इज दैट पहले तो वार को बना देंगे कॉन्स, ये हमें नहीं भूलना, इज इक्वल टू लगा रहेगा, फंक्शन का कीवर्ड हटेगा, उसके बाद आर्गुमेंट की आ जाएगी ब्रैकेट्स वाई वी, ये भी इंप्लाइज लगेगा और बिकॉज भी ब्रैकेट्स लग जाएंगे, इस खत्म बात, ठीक है जी, ये हमारा टास्क हो गया कम्प्लीट। सेट डिफॉल्ट पैरामीटर्स फॉर योर फंक्शंस, अब डिफॉल्ट पैरामीटर अगर सेट करें, डिफॉल्ट पैरामीटर हमें पता है कि क्या होता है, अगर हमारे पास फंक्शन में कोई आर्गुमेंट आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे होते
तो हमारे पास वो जो हमने सेट कर देते हैं हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो यूज कर लेता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देख लेते हैं एग्जांपल को यहाँ क्या कर रहा है। ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, हमने किए ही होंगे। तो अगर हमारे पास नॉर्मल ये होता है ना, तो मैं डालूँ तो देखें क्या प्रिंट कर रहा है वो हेलो जॉन और हेलो अनडिफाइंड, क्योंकि उसको नेम नहीं मिला ना। नेम इस चीज केस में तो मिला, पहले ग्रीटिंग कॉल किया तो ग्रीटिंग नेम की जगह जॉन नेम की जगह आया और हेलो जॉन आ गया। दूसरे केस में मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो नेम अनडिफाइंड आ रहा है। तो अगर मुझे चाहिए कि यार कुछ ना पास हो रहा हो ना तो कुछ भी लिख दो, हेलो वर्ल्ड लिख दो, ठीक है ना। तो असल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख देते होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडिफाई करना है इंक्रीमेंट बाय एडिंग डिफॉल्ट पैरामीटर सो इट विल ऐड वन टू नंबर इफ वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये क्या कर रहा है, इसको नम मिलेगा और वैल्यू मिलेगा और उसको नम प्लस कर देगा। लेकिन इनकेस अगर वैल्यू नहीं आती, अगर दो तीन चार पाँच कुछ भी भेज सकते हो नहीं आता तो बोलता है प्लस वन ही करके भेज दो। तो हम यहाँ आगे प्लस वन लिख देंगे, ओ वैल्यू इज इक्वल टू वन लिख देंगे कि ये डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू देती है हमने से वन। अगर इसको अगर नहीं आता कुछ भी इनपुट तो आप समझ लेना कि यहाँ वन है। तो अब हम इंक्रीमेंट जैसे 3.4 3.5 लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप 3 लिख के भी भेज देंगे ना, देखें मैं बताता हूँ 3.2 का आउटपुट क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा वरना हम दिखाएगा ना। 3.2 का आंसर क्या आया 5 और 3.3 का क्या आया 6। अगर मैं खाली 3 भेज दूँ तो क्या आएगा जी प्लस 1, वो उसको प्लस 1 कर देगा। 3 और 2 का 5 किया उसने, उसको दोनों को प्लस कर दिया, 3 को प्लस कर दिया, लेकिन खाली 3 भेजा जो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा था, एरर नहीं देगा, अनडिफाइंड ऐड नहीं करेगा बल्कि 1 असम्प्शन कर लेगा कि वैल्यू 1 है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट उठा लेगा, ठीक है ना। अस्यूम वैल्यू इज 1 क्यों डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जी, हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, हमारा टेस्ट होता है क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, को हम डिसमिस कर देंगे, आगे चलते हैं। यूज द रेस्ट पैरामीटर विद फंक्शन पैरामीटर्स। अब रेस्ट पैरामीटर भी हम यूज कर सकते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। ये क्या होता है, रेस्ट जो ऑपरेटर होता है बेसिकली डॉट डॉट, ये बेसिकली क्या करता है आपके नंबर्स को एरे में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको याद हो कि अगर हाउ मैनी हमने ये है 0 1 2, इसको जितने भी 3 आर्ग्यूमेंट दिए ना जैसे हमने, यहाँ आके ये डॉट डॉट इसको एरे बना देगा और आर्क्स पे हम डॉट लाइन एरे पे हम डॉट लाइन का मैथड चला सकते हैं। तो इसने क्या बताया हमें 3 रिटर्न करके देगा ये, हम इसको चला के भी देखते हैं। ठीक है जी, तो क्या यू हैव पास 3 आर्ग्यूमेंट्स और मैं यहाँ बढ़ाता रहूँ 8, तो ये मैजिक देखें 4 आर्ग्यूमेंट्स और मैं 9, तो कितना होगा 5 आर्ग्यूमेंट। ये कैसे हो रहा है जी, ये बढ़ रहे हैं, ये आर्ग्स में आ रहे हैं। यहाँ मैंने नहीं ये कर दिया ना, मैं ए बी सी डी ई एफ जी लिखता रहूँ वो ए 0 में चला जाएगा, बी में 1 चला जाएगा, ऐसे चले जाएंगे वेरिएबल तो मैं आता रहूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो मैं ऐसे डॉट डॉट कर दूंगा, डैश ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली नंबर्स को एरे में कन्वर्ट कर देगा। और आर्ग्स डॉट लेंथ लगा दिया यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसने उसकी लेंथ प्रिंट कर दी। अब हमें क्या करना है जी, modify the function sum using the rest parameter in such a way that the function sum is able to take any number of arguments and return the answer. तो अब हमें करना है कि rest लगाना है, it can take any number of arguments. अभी देखें x, y, z, sum x, y, z ये 3 argument ले रहा है ना, इसको मैं अगर खाली dot 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 x कर दूँ 3 से ज़्यादा भी वो ले सकता है, और args मेरी क्या हो जाएंगी x, y, z नहीं लेना मुझे, अब खाली मैं उसको array, मैंने array ले लिया ना, इसको मैं arr लिख देता हूँ। अब x, y, z मेरे पास array बन गई है, तो मेरे पास args क्या होंगे, सिंपली ये एरे हो सकती है, ठीक है जी। क्योंकि अब ये जो रिड्यूस है ना, मैप रिड्यूस फिल्टर करते क्यों है जी, क्योंकि मैप रिड्यूस फिल्टर ज़्यादातर हम जो है ना फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ना मैप रिड्यूस फिल्टर चला रहे होते हैं, तो हम पहले आर्ग्यूमेंट्स लेते उनको एरे बनाते, वो डायरेक्ट अब हम चला सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, सम शुड बी एन एरो फंक्शन विच यूजेस द रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स ऑन द आर्ग्स आर्ग्यूमेंट, आर्ग्स आर्ग्यूमेंट पे हमने यूज करना है। ठीक है जी, हमने उसको भी आर्ग्स में कन्वर्ट कर दिया। इसमें हमने क्या किया, हमने मैंने जो ले लिया था एआर नहीं लेना हमने, ये हमारे पास एक ये स्टेप पे फिर रिटेंडेंट है ना, ये फालतू के लिए हमने लिख दिया था ना, ये भी कॉमन सेंस है कि ये भी नहीं आना चाहिए ना, हमें फिर हम दूसरा अवेलेबल यूज कर रिड्यूस कर रिड्यूस उस पर अप्लाई करें, डायरेक्ट आर्ग्स पर अप्लाई कर सकते हैं अगर, तो हम ये क्यों लेकर आ रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे थे लाइन, ठीक है ना। तो इसलिए हम डॉट डॉट आर्ग्स ऊपर ही लिख देंगे और आर्ग्स डॉट रिड्यूस, ताकि मैं रिड्यूस फिल्टर जो भी निकालना है ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं।
यूज द स्प्रेड ऑपरेटर टू इवैल्यूएट अरेज इन प्लेस। ठीक है जी, अब हमें स्प्रेड ऑपरेटर लगाना है अरेज इन प्लेस। अच्छा, जो हमारे पास नंबर्स को एरे में कन्वर्ट करता है वो था रेस्ट, और जो एक एरे को नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो था है स्प्रेड। देखें, अब ये देखें एग्जाम्पल, ये क्या करती है जी, मैथ और मैक्स का जो फंक्शन है ना, वो बेसिकली सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास जो मैथ और मैक्स है, ये इसको छोड़ दें अभी, नॉर्मल इसको भी छोड़ दें। अभी एक लाइन लिखी है हमने, 8,7,78,09। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमस में क्या आएगा, ये मैथ और मैक्स क्या करता है जी, मैक्सिमम फाइंड करता है अपने जो भी इसको आर्ग्यूमेंट दिए होते हैं, जितने भी उनमें जो भी मैक्सिमम है वो फाइंड करके देता है। तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं अभी। तो इस एरे में, इस इनपुट में जो भी मैक्सिमम है वो क्या है, नंबर 78, तो 78 आ रहा है। तो प्रॉब्लम है इसके, अब मेरे पास ये एरे होती है, अगर एलिमेंट्स एरे में होते हैं उनकी लेंथ कुछ भी हो सकती थी, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये एरे में पड़े हैं, ठीक है, ये नंबर एरे में पड़े हैं, तो मुझे यहाँ पे एरे में दे दूंगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, या मुझे इनका इस एरे का नंबर का मैक्स है ना, तो वो ये तो मैट डॉट मैक्स एन एन भेज फेंक रहा है, ऑर्डर नंबर फेंक रहा है एरर। हमें तो यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल नंबर्स भेजने, एरे नहीं भेजने। आपको प्रॉब्लम समझ में आई, ये नंबर्स जितने भी नंबर भेजने भेज दो, लेकिन वो नंबर चाहिए, उसे एरे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरे को अगर नंबर्स में इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करना है तो स्प्रेड ऑपरेटर कर लो। वही डॉट डॉट सिंटैक्स सेम ही है जो रेस्ट का है, डॉट डॉट ही ऑपरेटर सेम ही है, लेकिन उसको उस केस में हम उसे रेस्ट कहेंगे, इसमें स्प्रेड करेंगे। इसमें यानी कि हम इसको एरे को स्प्रेड कर रहे हैं इंडिविजुअल नंबर्स में, तो इसे हम स्प्रेड कह देंगे, और अगर इंडिविजुअल नंबर्स को एरे में कन्वर्ट करना होगा तो उसे रेस्ट कहेंगे। अच्छा जी, हमारा इसको करेंगे तो हमारा कोड था, इसको हम करेंगे कमेंट, और हम इनके कमेंट कोड करते हैं ओपन। और हमें करना क्या है जी, कॉपी ऑल कंटेंट्स ऑफ एरर 1 टू अनदर एरे एरर डॉट यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। हमें एरर 2 के अंदर उसको कॉपी कर देना है, डॉट 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 एरर 1। इससे क्या होगा, पहले कि वो एरर 1 के ऑपरेटर यहाँ पे फैले, नंबर्स फैले, वो तो दोबारा इस एरे में आ गया। ठीक है ना, पूरी एरे कॉपी हो गई, तो अब हमारे पास ये अपडेट हो गया, ये हमें करना है। तो ये भी बड़े काम की चीज़ होती है, इसको बराबर यूज भी करते हैं। इससे ये होता है कि बेसिकली अगर डायरेक्ट एरर 2 इक्वल टू एरर 1 कर देते हैं ना, तो उससे क्या मसला हुआ, इससे इसमें क्या फर्क है, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों में कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा एरर 1 एरर 2 में। देखिए, एरर 2 इक्वल टू एरर 1 कर देना तो वो रेफरेंस सेम हो जाता है। अब मैं एरर 2 के 0 को चेंज करूंगा ना, तो एरर 1 का 0 भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था, क्योंकि रेफरेंस सेम है। अब ऐसा करने से ना, अगर स्प्रेड से मैंने अगर बनाया है, एरे नहीं बनाई है, तो वो रेफरेंस अलग बनता है। तो अब जो है, अब एरर 2 को मैं म्यूटेट करूंगा ना, एरर 2 0 चेंज करूंगा, जनवरी को दिसंबर कर दिया, तो एरर 1 का जनवरी जनवरी रहेगा, एरर 2 का अपडेट हो जाएगा। सही है, इसको भी अगर हम देख लें करके, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एरर 2 0 इज इक्वल टू डी, ठीक है, दिसंबर। तो अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग एरर 1 करता हूँ, तो मेरा अपडेटेड एरर 1 वही है, जनवरी फरवरी, और एरर 2 बाद में प्रिंट हो रहा है तो दिसंबर है। लेकिन इफ अगर मैं इसको स्प्रेड नहीं करता, डायरेक्ट अप्लाई करता एरर 2 इज इक्वल टू एरर 1, दोनों तो ये करते, तो देखें दोनों अपडेट हो गई है, एरर 1 भी चेंज हुई। मैंने खाली एरर 2 को चेंज किया है, तो एरर 1 भी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि तो ये एरर 2 एरर 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, रेफरेंसिंग टू सेम एरे, टू सेम एरे, बोथ रेफरेंसिंग टू सेम एरे, एरर 1 एंड एरर 2 Both referencing to same array, इस केस में। इस केस में क्या होता है, ये दोनों को सेम नहीं कर रहा होता पॉइंट, एरर 2 इज नाउ न्यू एरे विद न्यू रेफरेंस एंड न्यू रेफरेंस, रेफरेंस भी बदल जाता है। ठीक है जी, पास विद रेफरेंस और पास विद वैल्यू होता है ना, ये रेफरेंस से ये रेफरेंस के बराबर हो जाता है इससे, तो ये रेफरेंस बराबर हो गया, तो इसको भी चेंज करने से ये भी चेंज हो रहा है। ये एरेज पास बाय रेफरेंस होती है हमेशा से, इस वजह से अब ये जो है इसमें एक नई एरे बन जाती है, रेफरेंस भी अलग हो जाता है। तो अब यहाँ पे एरर 2 को म्यूटेट करने से, चेंज करने से, एरर 1 चेंज नहीं होता। सो वी आर स्टक हियर, हमें ये नहीं करना था, हमें तो क्या करना था जी, ये लाइन लिख दी थी बस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Use restructuring assignment to extract values from objects. Restructuring assignment use करें to extract values from objects. Objects से values निकाल लेंगे। Destructuring क्या होती है जी? For example, ये हमारे पास एक object क्या होती है, आपको याद होगा कि जो भी curly brackets के अंदर braces जब use हो जाते हैं और key value pair होता है उसके अंदर हमेशा, वो होती है object curly braces के अंदर key value pair होता है हमारा object से। High temperature से मैं yesterday की value 75 है, today की value 77 है, tomorrow की value 80 है। एक स्टूडेंट की प्रोफाइल है, यूजर की उसका नेम है, एज हो सकता है 34, सिटी हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, ठीक है जी, उसके फादर नेम हो सकता है,
तो ये हो गया ब्लड ग्रुप हो सकता है एंड ऑल दैट। अब उसके बाद अगर हमें अब ये करना है कि भाई अब हमें जो है ना उसमें से वेरिएबल निकालना है, यूजर का नेम निकालना है, एज निकालना है, तो हम नेम इज इक्वल टू यूजर डॉट नेम, एज इक्वल टू यूजर डॉट एज ये यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से तीन चार होते तो हम तीन चार लाइन हमें और लिखनी पड़ती हैं। तो उसका एक शॉर्ट हैंड है हमारे पास नेम कॉमा एज, हम ये लिख देंगे तो वो उसमें से ऑटोमेटिकली टी स्ट्रक्चर कर लेगा। अब खाली यहाँ पे यूजर एरे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस, तो इसके अंदर से खुद ही ये समझ जाएगा कि इसमें नेम और एज पड़ा हुआ है और यहाँ पे वो नेम और एज के वेरिएबल हमें बना देगा, नेम और एज के वेरिएबल बना देगा और इधर से वैल्यू उठा के इनमें सेव कर देगा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि रिप्लेस द टू असाइनमेंट्स विद एन इक्विवेलेंट डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। अब ये जो टू असाइनमेंट जो यहाँ पे दी हुई है टुडे और टुमारो की, टुडे और टुमारो करेंगे ना, इनको इक्विवेलेंट डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट यूज करनी है एक लाइन वाली। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे तीन हो सकती थी, इन्होंने टुडे टुमारो यस्टरडे निकाला हुआ, तो तीन लाइनें आती हैं, उन तीन लाइन भी हमें एक ही लाइन से अपडेट हो जाती है। इट शुड स्टिल असाइन द वेरिएबल्स टुडे एंड टुमारो द वैल्यूज ऑफ टुडे एंड टुमारो फ्रॉम द हाई टेंपरेचर ऑब्जेक्ट। लेकिन यानी कि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, हाई टेंपरेचर वाली जो ऑब्जेक्ट है उन्हीं को पॉइंट करना चाहिए, कोई पॉकेट साइंस नहीं मारी इन्होंने। इसको करने का तरीका ये है कि भाई अपने कॉन्स्ट लिखना है, कर्ली ब्रेसेस बनाने हैं और इक्वल टू डाल के पहले तो अपना जो मेन वेरिएबल है वो लिख लें, जो मेन आपकी ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड पे लिख लें। अब आप जो डिस्ट्रक्चर कर करके निकालना था, एक टुडे निकालना है और टुमारो निकालना है, ये आपने डिस्ट्रक्चर कर लिया और आपका कोड यहाँ पे पास हो जाएगा। हमें वेरीफाई भी करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं टुडे में आया कि नहीं आया 77, आया जी बिल्कुल आया। इस तरीके से टुमारो भी प्रिंट करके देखेंगे, वो भी प्रिंट हो जाएगा। अगले क्लास पे आ गए हम, यूज डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट टू असाइन वेरिएबल्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। हाँ, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट हमें यूज करनी है टू असाइन वेरिएबल्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। अब हमें वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स के लेने तो हैं हमने और उसको हमें डायरेक्ट एक नया नाम देना है, असाइनमेंट करने देनी है उसको एक नए वेरिएबल के अंदर। मिसाल के तौर पर आपने ये तो देख लिया था कि मैं इसको इसी को एग्जाम्पल को कर लेता हूँ। अभी तो आपने ये लाइन जो चीज़ सीख ली है, ये चीज़ अगर उसमें से नेम और एज निकालना है तो आप सिंपली यहाँ पे राइट हैंड पे यूजर लिखेंगे, लेफ्ट पे लिखेंगे आप नेम कॉमा एज, आपको ये मिल जाएंगे नेम और एज में। ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग ये तो मिल रहा है आपको जॉन डो 34। बट व्हाट इफ अगर आपको जो है यहाँ पे नेम कॉमा एज नहीं, आपको यूजर नेम में रखना है, यूजर ये जो नेम है ये यूजर नेम बन जाए, ये एज जो है यूजर एज बन जाए, माई यूजर एज बन जाए, तो क्या करेंगे यहीं पर आप लिख देंगे जी यूजर नेम एंड यूजर एज। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा जी यूजर नेम एंड यूजर एज, यूजर की एज ये लिखना है। आप अपने वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, ये कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन जाएगा, उठाएगा कौन सी वेरिएबल डालेगा उसमें एज की वेरिएबल डाल देगा इसमें। ठीक है जी, तो ये नए वेरिएबल बना देगा। तो ये इसकी हमने देख ली थ्योरी, और हम चलते हैं इस टास्क में हमें करना क्या है। रिप्लेस द टू असाइनमेंट्स विद एन इक्विवेलेंट डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट, इट शुड स्टिल असाइन द वेरिएबल्स हाई टुडे एंड हाई टुमारो द वैल्यूज ऑफ टुडे एंड टुमारो फ्रॉम द हाई टेंपरेचर। हमें डिस्ट्रक्चर करना है हाई टुडे और हाई टुमारो के अंदर हमें ये रखनी है वैल्यूज। ठीक है, तो ये सिंटैक्स से दो लाइन होगा, हाई टुडे में डॉट टुडे और डॉट टुमारो रख लो, लेकिन हमें इसको डिस्ट्रक्चर अगर करना है एक ही लाइन में अगर करना है हमें, तो हम तो पहले नॉर्मल डिस्ट्रक्चर लगा लेते हैं। ये वेरिएबल हम रखेंगे अपनी ऑब्जेक्ट राइट साइड पे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए टुडे टुमारो चाहिए, हमें ले लिए, लेकिन हमें उसको टुडे को वेरिएबल इसमें डालना है, इस वेरिएबल में बनाना है, तो मैं कॉलन डाल के लिखूंगा ये, और टुमारो को मुझे इसमें बनाना है तो मैं कॉलन डाल के लिखूंगा ये, तो टुमारो मेरा इसमें सेव हो जाएगा, टुडे मेरा इसमें सेव हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं, हमारा टास्क होता है कम्प्लीट। हम चलते हैं आगे, यूज डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट टू असाइन वेरिएबल्स फ्रॉम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब हमें क्या करना है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट से अगर हमें डिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, यानी कि अभी तक तो हमने देख लिया एक ऑब्जेक्ट से चीज़ें निकालनी है हमने, उसको हमें अपने पास सेव कराना है, तो हम कैसे कराएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ही नेस्टेड हो, वो उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो, उधर से हमें वेरिएबल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यूजर के अंदर से जॉन डो ही नहीं चाहिए हमें, वो तो हम निकाल लेंगे जॉन डो करके, जॉन डो या जॉन डो ही है जो भी इसे प्रोनाउंस करें आप। अगर मुझे एज या ईमेल चाहिए होती, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है जी, तो वो हम कैसे करेंगे जी, हम देखेंगे जॉन डोई और उसके बाद कॉलन लगा के हम फिर एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के आगे हम जो अंदर के वेरिएबल्स का नाम है एज एंड ईमेल वो लिख देंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हमें चाहिए होता कि हमारे पास जो एज और ईमेल है
वो एक नए वेरिएबल में जाए तो हम लिख देंगे यूजर एज एंड यूजर ईमेल कॉलन लगा के, तो इन दोनों में फर्क है अब, ठीक है जी। इन दोनों में क्या फर्क हुआ कि इन दोनों में हमें पहले जो कॉलन लगाया ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दी मैंने अगर, तो ये समझ जाएगा ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये खाली वेरिएबल लिखा है, वो समझ जाएगा कि मेरे पास ये नाम है जो मुझे इसमें रखना है, ठीक है जी। तो अब हम इसको देख लेते हैं, हम इसे कैसे करना है कि हमें चाहिए रिप्लेस द टू असाइनमेंट्स विद एन इक्विवेलेंट डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट, ठीक है जी। ये जो टू असाइनमेंट्स हैं इनको इक्विवेलेंट लो टुडे निकाल रहे हैं और हाई टुडे निकाल रहे हैं, लेकिन लो टुडे जो है अब वो लो और हाई वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक टुडे की ऑब्जेक्ट है उसमें पड़े हैं, ठीक है जी। तो हमें वहां से ये निकाल लें, ठीक है जी। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे जी लो टुडे और हाई टुडे। पहले तो हम सिंपली ये कर लेंगे कॉन्स्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो हमें टुडे चाहिए, टुडे को हमें लेकिन स्टोर नहीं कराना, टुडे की अंदर की हमें चीजें चाहिए ना, तो हम ब्रैकेट बनाएंगे पहले, और उसमें से हमें क्या क्या चाहिए, लो और हाई, ये दो चीजें हमें चाहिए सिंपल सिंपली, वो तो हमने पॉइंट करके उठा रहे हैं। लो हमारा लो में आएगा, हाई हमारा हाई में आएगा, लेकिन हमें लो चाहिए लो टुडे में, तो हम मैं इसको कॉपी करके यहाँ रखेंगे और हाई को कॉपी करके हाई टुडे को कॉपी करके यहाँ रखेंगे, ठीक है जी। इसको हम कर देंगे कमेंट ताकि वो ओवरराइट ना करे, वेरिएबल का नाम है तो डिसीजन था ना, डिक्लेयर कर लिया था कौन सा, इसलिए आ जाएंगे, इसको कमेंट करना पड़ेगा जरूरी, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये हमारा होता है सही कम्प्लीट। बाकी चलते हैं, यूज रिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट टू असाइन वेरिएबल्स फ्रॉम एरेज, ठीक है जी। अब एरेज से भी हम रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं हम एरेज से रिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट से तो हमने देख लिया, हम उसको जो है लेफ्ट साइड पे हम बनाते हैं एरे और ऑब्जेक्ट ही बना देते हैं, कर्ली ब्रेसेस बना के जो है ना नाम लिखते हैं। इस तरीके से रिस्ट्रक्चर अगर एरे को करना है तो लेफ्ट साइड पे आप एरे बनाएंगे, ठीक है। एक एरे का सिंटेक्स ले लेंगे ए कॉमा बी, ए कॉमा बी लिखा है आपने तो वो पहले दो एलिमेंट उठा लेगा एरे के, तो ए कॉमा बी में क्या जाएगा, वन कॉमा टू, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। और अगर तीन चाहिए होते हैं मुझे, ए कॉमा बी में क्या है जी, वन कॉमा टू। इसी तरीके से अगर मैं सी भी लिख दूं यहाँ पे, सी में क्या जाएगा जी, वन टू थ्री। अब हमें क्या चाहिए, अब ये बता रहे हैं अगर कॉमा कॉमा सी, ये चाह रहे हैं कि हम दो छोड़ के हमें पांच भी चाहिए एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे अगर तीन और चार छोड़ के मुझे पांच चाहिए तो मैं एक कॉमा लगाया और फिर कॉमा लगाया तो क्या आया जी, वन टू फाइव। मुझे छः चाहिए तो मैं फिर कॉमा लगा दूंगा, तो मुझे पास क्या है, वन टू सिक्स। तरीके से मैं बीच वाले स्किप कर सकता हूँ, मुझे उनको वेरिएबल नहीं बनाना है, मुझे काम नहीं है, तो मैं उनके लिए क्यों एक वेरिएबल का नाम रखूँ, तो कॉमा लगा के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये थी थ्योरी, अब इस टास्क की तरफ चलते हैं। यूजर रिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट ए रिसीव्स द वैल्यू स्टोर इन बी एंड बी रिसीव्स द वैल्यू स्टोर इन ए। तो सिंपली ये हमारे पास सिंटैक्स था, अब इसको हमें बनाना है कि ए और बी जो है स्वैप हो जाए, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, आइडेंटिफायर ए एस सॉरी ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, जो चीज सकती है स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट ए रिसीव्स द वैल्यू स्टोर्ड इन बी एंड बी रिसीव्स द वैल्यू स्टोर्ड इन ए। हम कॉन्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ए कॉमा बी लिखेंगे, हम इस केस में कॉन्स्ट यूज नहीं करेंगे, बी कॉमा ए, ठीक है जी। कॉन्स्ट यूज कर लिया तो वो ए तो हमने और बी डिफाइन किए हुए हैं, हमने दोबारा कॉन्स्ट नहीं बना सकते, सही है जी। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें। अच्छा आगे चलते हैं, यूज डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट विद द रेस्ट पैरामीटर टू रीअसाइन एरे एलिमेंट्स। अब हमें एरे एलिमेंट्स, अब रेस्ट पैरामीटर हम लगाएंगे डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, ये बड़े मजे की चीज़ है। अगर हम एरे डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वन टू, ठीक है, अब हमने देख लिया था ए बी कर दिया सी कर दिया तो तीन उठा लेगा, लेकिन हमें उस बाकी के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं हमने ज़ाया नहीं करना, तो हम रेस्ट यूज़ करेंगे। सही, आपको याद है अगर
नंबर्स को हमें एरे बनाना है, डॉट डॉट कर दिया तो नंबर्स बन जाएंगे एरे में, ठीक है, ये रेस्ट का ऑपरेटर काम करता है। तो आपने एक कमा बी में वन और टू उठाया और एरे में क्या जाएगा, बाकी सारे के सारे 3, 4, 5, 7। इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब देखें क्या है, 1 और 2 आया ए कॉमा बी में, और एरर में क्या आया 4, 5, 3, 4, 5, 7। और अगर मैं सी भी उठा लूँ, देखें एरे 3, 4, 5, 7 है, 3 से शुरू हो रही है, अगर मैं सी भी उठा लिया तो मेरे पास शुरू 4, 5, 7, तो ए बी सी 3 नंबर चले गए, ठीक है। और मैं यहाँ पे सी भी प्रिंट करा दूँ तो मेरे पास 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी की थ्योरी हो गई हमारी, अब चलते हैं टास्क की तरफ। यूज डिस्ट्रक्शन परफॉर्म एन इफेक्टिव सो दैट ARR is a subarray of the original array source with the two, with the first two elements omitted. हमें जो है first two elements omit करने हैं और बाकी ARR में सारे element आ जाने चाहिए। Change this line list, ठीक है ना, list पूरी आ रही है, इसे source भी पूरी आ रही है, इसमें पहले दो को छोड़ के सब रख लेने हैं हमें इसमें, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, ARR नहीं रखना, हमें पहले दो को छोड़ के हमें करना है ना। तो मैं ले लूँगा जी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मैं कर दूंगा ए कॉमा बी कॉमा डॉट डॉट ARR, ठीक है जी। मैं इसको रन करके देख लेते हैं, हमारा होता है कंप्लीट। इसमें मैंने क्या किया, एक कॉमा भी पहले दो एलिमेंट उठा लिया 1 और 2, बाकी जितने भी आ रहे हैं, 1 आए, 2 आए, 10 आए, 20 आए, वो सारे के सारे ARR में आ जाएंगे। तो बेसिकली स्लाइसिंग का ही काम होता है कि कुछ एलिमेंट हटा के बाकी की चीज़ हमने रिटर्न कर दी, ठीक है जी। तो फर्स्ट टू एलिमेंट रिमूव करने थे हमने, तो स्लाइस के जरिए भी कर सकते हैं, और ये हमने यूटिलिटी लिख दी उसकी एक तरीके से, वही काम हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं कि दो एलिमेंट हटाए एक कॉमा भी, और बाकी रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। यूज डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट टू पास एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शंस पैरामीटर। अब हमें क्या करना है कि हमें हमें फंक्शन के पैरामीटर में अगर ऑब्जेक्ट आ रही है तो कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, सिंपल एज दैट। वो सिंटैक्स है, अगर पैरामीटर के जैसे एरो फंक्शन है, यहाँ पे दो चीज़ें मिली हुई हैं, या फिर याद होगा इज इक्वल टू का एक इनपुट पैरामीटर आ रहा है, फिर इम्प्लाइज दैट आ रहा है, और फिर उसकी डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वो वाला काम हो रहा है डिस्ट्रक्चरिंग वाला, डिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, और उधर जो भी वेरिएबल उसके अंदर आ रहे हैं, नेम, इमेज, एसआईडी, लोकेशन हमें पता है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और ये नए यहाँ पे मिलते हैं सॉर्ट लॉग नेम इमेज लिखेंगे हम तो ये चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये काम हम एक शॉर्टकट में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन के पैरामीटर में आ रहे हैं, तो हम ये जो डिस्ट्रक्चर हमें बाद में करना ही है, तो ये लाइन डिस्ट्रक्चर वाली उठा के जो है ना हम डायरेक्ट पैरामीटर में ले जाते हैं, इनपुट में, फंक्शन के इनपुट में ले जाते हैं। तो कभी भी आप देखेंगे फंक्शन के इनपुट में कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो यूँ आप समझ जाएंगे यहाँ पे प्रॉप्स हो सकता है कोई, या जो इनपुट आता है, या अगर आपने रिएक्ट वगैरह पे काम किया हुआ होगा तो आपको पता है प्रॉप्स होते हैं, उसमें आप बाद में प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होती है। तो अब यहीं पे अगर नेम, एज, नेशनलिटी लिख देंगे तो वो बेसिकली प्रॉप्स में से खुद ही पार्स कर लेगा और यहीं पर ले आएगा। इन दोनों सिंटेक्स में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों यूज होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमें क्या करना है, यूज स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट विद इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन टू सेंड ओनली मैक्स एंड मेन इनसाइड द फंक्शन। अब हमें खाली, अच्छा इसमें से भी क्या है कि मल्टीपल आ रहे हैं तो हम खाली नेम या लोकेशन कर दिया, उसमें और भी होंगे तो सारे मिस हो जाएंगे, तो ये हम इसको फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उतने हम फंक्शन को पास करेंगे, ठीक है जी। तो इसका ये एडवांटेज भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही कह रहे हैं कि अब मैक्स और मिन को जो है खाली हमें इनपुट के अंदर जाने देना है, ठीक है जी। ये हमारे पास हाफ फंक्शन है, इसमें स्टैट्स पूरी की पूरी स्टैट्स जा रही है, अब हमें खाली मैक्स और मिन भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैक्स और मिन स्टैट्स डॉट मैक्स और मिन हटा दूंगा, और एक तो तरीका ये है अंदर ही लिख दूं मैं कॉन्स्ट मैक्स मिन इज इक्वल टू स्टैट्स, या मैं वही लाइन यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कवर हो रहा है, आगे चलते हैं। इसमें मैंने शायद कुछ टास्क पहले भी किए हैं, वो प्रोग्रेस को ज्यादा ही दिखा रहा है। क्रिएट स्ट्रिंग्स यूजिंग टेम्पलेट रिटल्स, ठीक है जी। टेम्पलेट रिटल्स क्या होते हैं जी, टेम्पलेट रिटल्स बेसिकली जो भी अगर आपने वो बनाए हुए होते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपने स्ट्रिंग यूज किए हैं, स्ट्रिंग में डबल कोटेड स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है जी। अगर आपने डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल यूज करना होता है तो वो हम प्लस लगा के आगे कोई वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें टेम्पलेट लिटरली क्या होता है, ये वाला जो टिक नजर आ जाता है ना, ये भी स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन इसके अंदर आप एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे डॉलर लगा दिया तो समझे यहाँ पे डॉलर, और ब्रैकेट लगा दिया तो समझे यहाँ पे वेरिएबल का नाम आने वाला है, और पर्सन डॉट नेम किया मैंने लिख दिया यहाँ पे, परसेंटेज एज लिख दिया इसने, वरना हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, फिर ये वेरिएबल लिखते, फिर इंस्टीट्यूट कॉमा लिखते, तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट है। अभी हमें इस टास्क में क्या करना है, और इसके अलावा बैक स्लैश इन की एन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगली लाइन में खुद ही ले आएगा। इस एग्जाम्पल को हम रन करके देख लेते हैं।
ये अगली लाइन में भी खुल जाए। अगर आपको नॉर्मल स्ट्रिंग होता ना तो वो अगली लाइन में नहीं लाता, वो आपको बैक स्लैश एन यूज करना पड़ता था कि अगली लाइन में लाए। ये आप जैसा लिखा है वैसे ही ले आता है, और ये परसेंटेज नेम यहाँ पे परसेंटेज नेम यूज नहीं करेगा, यहाँ से वेरिएबल उठा लेगा। ठीक है जी, अब हम इसकी एक थ्योरी हो गई, हम इसकी एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसके टास्क पे चलते हैं। यूज टेम्पलेट डिटेल सिंटैक्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया लेकिन सही है। विद मैट्रिक्स टू क्रिएट एन एरे ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स एल आई स्ट्रिंग्स, ठीक है। ईच लिस्ट एलिमेंट्स टेक्स्ट शुड बी वन ऑफ द एरे एलिमेंट्स फ्रॉम द फेलियर प्रॉपर्टी ऑफ द रिजल्ट ऑब्जेक्ट। एंड अब लेट मी, मैं पहले पढ़ लूँ, सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू करेस्पोंडिंग द मेक लिस्ट फंक्शन शुड इन द एरे ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स टू गेट अ रिजल्ट, हमें ये आउटपुट लेकर आना है। ठीक है, अगर वो अंग्रेजी ना भी पढ़ू ना तो अंग्रेजी कभी कभी मुश्किल लगती है, आउटपुट देख लेना। एग्जाम्पल दी है तो बेसिकली चाह रहे हैं ये प्रोड्यूस होना चाहिए। अब मेरे पास फेलियर आइटम्स हैं, ये रहे है, इसको इसके बीच में करना है, तो मुझे फेलियर आइटम्स के अंदर मुझे ये चीज़ लेकर आनी है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, नो वार वार ऑन टॉप ऑफ लाइन, नो वार वार ऑन टॉप ऑफ लाइन, मुझे इसके ऊपर लूप करना है और उसके अंदर मुझे ये लूप नहीं करेंगे, सॉरी लूप नहीं करेंगे, आप हम डॉट जीरो डॉट वन और डॉट टू से उठा सकते हैं हम इसे। ठीक है, लूप वाला काम नहीं है हमारा, हम क्या करेंगे फेलियर आइटम्स जीरो को हम हटा देंगे, हमें इसको हमें यहाँ पे इसको एरे बनाना है एनी काइंड ऑफ लूप, इटरेटर में एनी काइंड ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, सॉरी लूप यूज कर सकते हैं आप टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट शोन बिलो, क्योंकि ये हमें एरे ही है, ये उसके टू एलिमेंट्स, इसको हम एरे देते हैं। अब इसमें मैं पुश करता हूँ, पुश भी कर सकते हैं, और हम पहले जो हमारे पास है रिजल्ट फॉर लूप हम बना लेते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो, मैं उस सारे एलिमेंट्स पे लूप करूंगा और फेलियर आइटम में पुश कर दूंगा, आई लेस देन फेलियर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है जी, फेलियर आइटम्स डॉट पुश, क्या पुश करना है जी, स्ट्रिंग पुश करना है, पहला ये लाइन बनाने लगा हूँ मैं, फिर लूप में खुद ही चल रहा है तो तीनों लाइन बना देगा, पहले नो बार और फिर वार नो लाइन ब्रेक। नो बार काम ही लगेगा मुझे फेलियर आई के अंदर, फेलियर जीरो के अंदर पहले नो बार डालेगा, फेलियर वन में ये फिर फेलियर टू में ये, पहले मुझे क्या रखना है जी इसके अंदर एल आई क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट। मजे की चीज़ ये है कि अब मुझे जो है यहाँ पे बैक टिक लगाने पड़ेंगे ना, ये वेरिएबल का नाम नहीं यूज कर सकता इसके अंदर, टेक्स्ट वार्निंग और ये बैक वन, उसके बाद नो वार नहीं है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ वेरिएबल हो रही है ना तीनों में, तो मैं यूज़ करूँगा डॉलर। अब वो समझ जाएगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल आया, ठीक है, फेलियर आई। ठीक है, फिर मुझे प्लस प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग चलता रहेगा, और फिर आई मैंने एक बार क्या लगाना है, फिर एल आई को मैंने करना है जी वन, एल आई हो गया वन, यहाँ मेरा प्रैक्टिक हो गया वन, तो हो गया ये मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, और जो मेरा ये फेलियर था एल आई, इसको मुझे करना पड़ेगा ब्रैकेट भी क्लोज, सही है, और ये मेरा अभी भी सिंटैक्स एरर दे रहा है, ये आ गया मेरा ये ब्रैकेट जो आ रहा है, ये असल में मेरा यहीं पे ख़त्म होना था, ये ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल आ गया और ये आपका स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, फेलियर इज नॉट डिफाइंड, फेलियर 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 इज नॉट डिफाइंड, फेलियर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हमारे पास है रिजल्ट डॉट फेलियर। ठीक है, तो ये होगा जी रिजल्ट डॉट फेलियर एंड सिमिलरली रिजल्ट डॉट फेलियर आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप चाहोगे जो है इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं। आपके पास यही आउटपुट आ गया जो ये मांग रहे थे। ठीक है जी, रन करके देख लें, कंसोल लॉग ना भी लगाएं, वो खुद ही रन करके चेक कर लेगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, रेकंसाइज ऑब्जेक्ट लिटरल्स लिटरल डिक्लेरेशंस यूजिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड। ठीक है जी, इसमें हमें क्या करना है ये समझ लें, आपके पास ये फंक्शन को समझें खाली, कि अगर ये एग्जाम्पल है तो इसको हम शॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसको एक इनपुट आ रहा है, एक्स और वाई, उसमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न अगर हमें ब्रैकेट के बाद ये भी ओपन हुए हैं, वहाँ पे कटी ब्रेसेस में समझे, कटी ब्रेसेस को रिटर्न करेगा और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, यानी कि उसके अंदर एक्स के रिटर्न होगी की और वैल्यू होगी वही जो एक्स है, जो वाई रिटर्न कर रहा है और वाई की वैल्यू भी वाई रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं एक्स और वाई,
जब खाली ये लिखा हुआ होगा ना तो आप समझ जाएंगे वो बेसिकली बोल रहा है x कॉलन x ही लिखा है, y कॉलन y ही लिखा है। जैसे यहाँ पे देखें रिटर्न नेम कॉलन नेम, एज कॉलन एज, जेंडर कॉलन जेंडर। अगर मुझे नेम प्लस हाँ अगर कुछ ऐड नहीं करना, नेम कॉलन नेम ही करना है, तो मैं दो बार रिटर्न एज एज जेंडर जेंडर हो रहा है ना, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, एज को रिमूव कर दें, जेंडर को रिमूव कर दें। ठीक है, इसी तरीके से नेम कॉलन नेम प्लस खान है। अगर एक दो वेरिएबल को जो हमें चेंज करना है उनको चेंज करें, नहीं करना सभी सेम है, या तो सभी सेम है तो उसको रिमूव कर देंगे, सिंपल ऐसे ही रहने दें। ठीक है जी, रन करके देखें, हमारा टास्क होता है कम्प्लीट। राइट कंसाइज डेक्लेरेटिव फंक्शंस इन विद ES6। ठीक है, अब हमें इसके अंदर डेक्लेरेटिव फंक्शंस बनाने हैं ES6 के, तो हम कैसे करेंगे जी? वी हैव टू यूज द कीवर्ड फंक्शन एज फॉलोज। ठीक है जी, हमें फंक्शन को यूज करना है। हम यहाँ पे फंक्शन ES5 के अंदर, ES5 के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड हम लाजमी यूज करना होता है। जैसे हमें से हेलो का फंक्शन बनाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे और रिटर्न ये कर देंगे जो भी हमें रिटर्न करना है, दिस डॉट नेम वो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हमें विद ES6 यू कैन रिमूव द फंक्शन कीवर्ड एंड कॉलन टुगेदर ऑल टुगेदर व्हेन डिफाइनिंग फंक्शन इन ऑब्जेक्ट। सेज एन एग्जांपल ऑफ द सिंटैक्स, आप डायरेक्ट से हेलो लिखेंगे और अपना काम कर देंगे, आपको फंक्शन का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। जो हम देखेंगे भी आगे कंपोनेंट्स वगैरह में, रिएक्ट वगैरह में भी आप देखते हैं, फंक्शन हम ना भी लिखें आपका काम हो जाता है, और वो ज़्यादातर अभी देखेंगे आपकी फायदा भी होता है फंक्शन ना लिखें तो। दिस का कीवर्ड जो आपको मसला कर रहा होता है, तो ये हम जब रिएक्ट पे आएंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, ये कि ट्यूटोरियल आ चुका होगा तो आप वहाँ देख सकते हैं। रीफैक्टर द फंक्शन सेट गियर इनसाइड द प्रोजेक्ट बाइसाइकिल टू यूज द शॉर्ट इन सिंटैक्स डिस्क्राइब अबव। अब हमें क्या करना है, सेट गियर के फंक्शन को रीफैक्टर करना है और जो बाइसाइकिल के अंदर है, जो बाइसाइकिल के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट का फंक्शन है, इसको ऐसा करना है शॉर्ट एंड सिंटैक्स जो अभी ऊपर बताया गया उसमें। बेसिकली हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड उड़ जाएगा और कॉलन भी उड़ जाएगा, तो सिंपल ऐसे लिखेंगे हम एंड हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जितने वाले दो चीज़ें रिमूव करनी होती हमने कर दी। अब आगे क्या है, यूज क्लास सिंटैक्स टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए हम क्लास का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब क्लास का कीवर्ड क्या है ये समझना जरूरी है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है ये समझना जरूरी है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज प्रीटी ऑब्वियस के एक फंक्शन होगा ये, ठीक है, लेकिन क्लास के बारे में क्या है वो हम पढ़ लेते हैं अभी। ES6 प्रोवाइड्स अ न्यू सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द क्लास कीवर्ड। इट शुड बी नोटेड दैट क्लास सिंटैक्स इज जस्ट सिंटैक्स एंड नॉट अ फुल फ्लेज्ड क्लास बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम अनलाइक इन लैंग्वेजेस लाइक जावा पाइथन रूबी। तो ये कह रहा है कि इसमें जो क्लासेस हैं वो फुल फ्लेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेजेस जो होती हैं, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये फुल फ्लेज वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं रखता, वो वाला इसका बिहेवियर नहीं है, वो वाला काम नहीं करता, लेकिन ये समवट सिमिलर है। ठीक है जी, इन ES5 यूजुअली डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड यूज द न्यू कीवर्ड टू इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम बनाते थे, एक फंक्शन बनाते थे, उसके अंदर जो चीज़ें होती थी वेरिएबल वो हम डिस डॉट करके यूज करते थे, ताकि उसकी जब ऑब्जेक्ट बनाते थे हम वो न्यू करके हम बनाते थे। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता था, यानी कि इसे हमने इसकी ऑब्जेक्ट्स हमने बनानी होती थी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यूज होता था ES5 के अंदर। तो अब ये जो सिंटेक्स है ना, ये थोड़ा मुश्किल होता था कि यार हमें इस ऑब्जेक्ट बनेगी, तो उसको उन्होंने शॉर्ट करके बोलते यार इसे आप क्लास से रिप्लेस कर लो, कि क्लास की ऑब्जेक्ट बन रही है तो ये आपके लिए समझना आसान है। तो पहले स्पेस शटल जो थी ये था एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसके जो वेरिएबल थे वो दिस से बन रहे थे। ठीक है जी, क्योंकि ये पता ही, हमने इसको एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कराना है, उसकी एक ऑब्जेक्ट बनानी है, न्यू कीवर्ड यूज करना है, ये सारे इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके आए हैं तो आपको ये फेमिलियर होंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज करते हैं ताकि उससे हम इंस्टेंशिएट कर सकें, ऑब्जेक्ट बना सकें न्यू करके। ठीक है, और उसके अंदर भी हम दिस डॉट करके ही वेरिएबल अपने बना दें। इट शुड बी नोटेड दैट क्लास कीवर्ड के डिक्लेयर न्यू फंक्शन टू विच अ कंस्ट्रक्टर इज एडेड, दिस कंस्ट्रक्टर इज इनवोक्ड व्हेन न्यू इज कॉल्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा जब भी खुद ही ऑटोमेटिकली, जब भी ऑब्वियसली वजह से कंस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट बनती है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम रन हो जाता है, दिस इज प्रीटी ऑब्वियस। तो जो भी आपने पास कराया है तो ये कर रहे हैं, जो भी डिफॉल्ट जो भी आर्गुमेंट आ रहा है उसको अपना एक प्रॉपर्टी के अंदर ये सेव कर रहा है। अपर कैमिल केस शुड बी यूज्ड बाय कन्वेंशन फॉर ES6 क्लास नेम्स एज इन स्पेशल यूज अबव। ये कह रहे हैं अपर कैमिल केस तो होता है ना, अपर कैमिल केस इनके पहला लेटर अपरवर्ट का कैपिटल रखना है आपने बाय कन्वेंशन। देखिए मैंडेटरी नहीं है, आप स्मॉल में भी रखेंगे ना आपका कोड चलेगा। कन्वेंशन का मतलब होता है कि बाय प्रैक्टिस जो है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये आता है, सभी फॉलो करते हैं तो आप ये फॉलो करें। ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं लेकिन बाय कन्वेंशन है। द कंस्ट्रक्टर मेथड इज अ स्पेशल मेथड फॉर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, हमें पता है क्या ऑटोमेटिकली चल जाता है। यूज अ क्लास कीवर्ड एंड राइट अ कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द वेजिटेबल क्लास, द
The vegetable class allows you to create vegetable object with a property name that gets passed to the constructor. ठीक है जी, इसमें हमें एक vegetable class बनानी है. हम यहाँ पे इसका syntax अपने सामने रख लेते हैं. हम लिखेंगे जी class vegetable, इसके साथ हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है और उसको हमें एक नेम इनपुट जा रहा है नेम, और वो बताया ये अपने नेम को जो पास हुआ हुआ नेम है उससे वो वैल्यू डाल देगा अपने वाले नेम में. ठीक है जी, तो अब हम इसको देखना सोलो क्रेडिट नेम में नेम आ गया. ठीक है जी, हम रन करके देखते हैं. ये हमारा कोड हो रहा है रन. अब आगे चलते हैं. यूज गेटर्स एंड सेटर्स टू कंट्रोल एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट. ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं हम गेटर एंड सेटर यूज करेंगे टू कंट्रोल एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट. गेटर एंड सेटर क्या होते हैं, अगर आपने इनकैप्सुलेशन वगैरह वाला टॉपिक किया हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो उसमें हम गेटर एंड सेटर बना रहे होते हैं. ठीक है ना, तो एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं वेरिएबल्स का और उसके मेथड्स का जो उसको मॉडिफाई करते हैं. तो अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट वैल्यूज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड सेट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी विद इन एन ऑब्जेक्ट. दे आर क्लासिकली कॉल्ड गेटर्स एंड सेटर्स. ठीक है जी, गेटर जिससे वैल्यू उसकी गेट करेंगे, सेटर जिससे वैल्यू उसकी अपडेट करेंगे. सेटर फंक्शन से सेट होती है, गेट से अपडेट होती है, गेट से गेट होती है, नो फैंसी थिंग. दिस इज अंडरस्कोर ऑटर, अंडरस्कोर लगाया हुआ है और ये भी बाय कन्वेंशन बताता है कि ये इसका अपना वेरिएबल है और सर जो पास हुआ वेरिएबल है डिफरेंशिएट करनी है. दिस इज अंडरस्कोर ऑटर इज इक्वल टू ऑटर. अब हमें ऑटर गेट करना है, गेट राइटर, तो रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर ऑटर. ठीक है जी, वो राइटर कॉल करेगा तो उसको अंडरस्कोर ऑटर वाला वेरिएबल जो वेरिएबल मिल जाएगी. और सेट जब करना होगा तो हमें उसका नेम एनोनिमस जो सेट किया था एनोनिमस किया जाएगा. बाद में एक बार सेट कर दिया न्यू ऑथर तो हमें न्यू ऑथर मिलेगा. ठीक है, जिसको रन करके भी देख सकते हैं. पूरे कोड को उठा के अब यहाँ पे पेज कर दें. थर्मोस्टेट इज नॉट डिफाइंड, पहले ऊपर वाली की जो उसको इधर खामोश कर दें. तो पहले देखिए एनोनिमस आया जब हमने नोवेल डॉट राइटर गेट किया था न्यू क्रिएट करके, फिर उसी को हमने सेट करा नोवेल डॉट राइटर इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये वाला कॉल हुआ सेटर से न्यू ऑथर. तो नोवेल डॉट राइटर जब फेच किया तो हमारे पास आया न्यू ऑथर. अब हम इसको करते हैं डिलीट, कंट्रोल डी कर देते हैं. अब हम चलते हैं टास्क की तरफ. अब हमें क्या करना है, यूज द क्लास की टू क्रिएट अ थर्मोस्टेट क्लास. Celsius. When you implement this, you will track the temperature inside the class in one scale, either Fahrenheit or Celsius. अभी हमारे ऊपर है कि this dot और इसको temperature हम बनाएंगे, जो वो अपना जो उसका temperature है वो किस में उसमें रखना है, उसमें रखना है. Fahrenheit में भी रख सकते हैं, Celsius में भी रख सकते हैं. बस अभी फिर जो getter और setter है उनको फिर हमें change करने पड़ जाएंगे उसका temperature. This is the power of a getter and setter. You are getting an API for another user who can get the correct result regardless of which one you track. ठीक है जी, अब वो गेटर और सेटर में फाइनाइट में कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो फाइनाइट में कर लेगा, अंतर हम उसको बोले सेल्सियस में किया हो, या वो गेटर एंड सेटर से सेल्सियस में कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो उसको सेल्सियस में कम्युनिकेशन करने देंगे. हम अपने वाले वेरिएबल को कन्वर्ट करके जो है भेजेंगे उसके पास, उसको नहीं पता कि अंदर हमने किस में सेव कराया है. तो ये होता है एनोनिमस बना देना, एब्स्ट्रैक्शन लेयर एक ऐड कर देना, उसको हमने छुपा दिया, इसे डेटा एडिंग भी कह सकते हैं. ठीक है, जो डेटा ओरिएंटेड के ये टर्मिनोलॉजीज हैं इससे आप फेमिलियर होंगे. ये जी मैंने क्लास बना दी. सबसे पहले लिया जी कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो ये टेम्परेचर इनपुट ले रहा है, और सॉरी इसको जो मैं पास होता वेरिएबल उसका अंडरस्कोर नहीं लगाऊंगा, जो दिस डॉट करके इसका अपना वेरिएबल है उसके साथ में लगाऊंगा. ठीक है जी, गेटर और सेटर का सिंटेक्स भी हमने पास ओपन करके रख लेते हैं. यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बन गया. अब हम गेटर बनाना है तो हम कराएंगे जी गेट टेम्परेचर. ठीक है जी, टेम्परेचर और टेम्परेचर के मदद से बनाना हमने, तो हम लिखेंगे गेट टेम्परेचर.
डेट करना है इसमें, उसको इनपुट नहीं आएगा इसमें, तो बस रिटर्न करना है रिटर्न। अब जो रिटर्न होगा सेल्सियस में होगा। अच्छा, इसको जो इनपुट आ रहा है वो फ़ारेनहाइट में है, 76 में सेट कर लिया। अब जो रिटर्न करना है हमें सेल्सियस में करना है, तो अब मैं डायरेक्ट अंडरस्कोर टेम्प तो रिटर्न कर नहीं सकता, दिस डॉट अंडरस्कोर टेम्प। यहाँ पे क्या मसला हुआ, इट विल रिटर्न इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की क्या स्पेलिंग थी, सही है, या फिर ये जो इनपुट आया था 76 वो रिटर्न हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए 24.76 आया था, 76 में सेव रिटर्न हो जाएगा, हमें चाहिए 24.44। अब हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना है रिटर्न, हमें इसको करेंगे कमेंट। हम यहाँ पे लेंगे कन्वर्टेड इज इक्वल टू समथिंग, कन्वर्टेड इज इक्वल टू समथिंग और रिटर्न कन्वर्टेड। हम उसे पहले करेंगे कन्वर्ट, फिर रिटर्न करेंगे। अब कन्वर्टेड में हम क्या डालेंगे, जी जो सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सी इज इक्वल टू 5/9, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस 32। एफ क्या है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है, दिस इज अंडरस्कोर टाइम माइनस 32। ठीक है, यही हमारा गेटर फंक्शन रिटर्न कन्वर्टेड गेटर हो जाएगा। अब सेटर अगर बनाना है हमने, तो हम लिखेंगे जी सेट इन टेम्परेचर, इसको हम इनपुट लेंगे कुछ ना कुछ, एग्जाम्पल टेम्प ले लेते हैं। अब जो ये टेम्प इनपुट आ रहा है वो किस में आएगा जी, वो भी देखें लिखा हुआ है इज इक्वल टू 26, ये भी हमारे पास इनपुट आ रहा है सेल्सियस में। अब इसको हमें सेव कराना है, हमें तो पता है फ़ारेनहाइट में सेव कर रहे हैं, तो अब हमें इसको अंडरस्कोर टेम्प इज इक्वल टू टेम नहीं लिख सकते, इस जो अंडरस्कोर टेम्प इज इक्वल टू टेम नहीं लिख सकते, क्योंकि बिकॉज टेम्प इज इन सेल्सियस एंड हम तो इसे हम अपने वेरिएबल को फ़ारेनहाइट में सेव कर रहे हैं, तो ये तो सेल्सियस में हमने रिप्लेस कर दिया, तो मसला हो जाएगा ना। हमें इसको भी जो है टेम्प को पहले कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड में लिख देता हूँ, किस में कन्वर्ट करना है जी, फ़ारेनहाइट में करना है। लेट यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल के लिख देता हूँ, सॉरी कहाँ थे, यहाँ थे, कन्वर्टिंग इनपुट सेल्सियस टेम्प इनटू फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब लेट कन्वर्टेड इज इक्वल टू हम क्या लिखूंगा जी, फ़ारेनहाइट लगा बनाना है, तो कैसे क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला टेम्प मल्टीप्लाई बाय 9.0 डिवाइड बाय 5 + 32। ठीक है जी, अब हम रन करके देख लेते हैं, और ये हमारा होता है फैंटास्टिकली कोड अप्रूव। ठीक है जी, तो हमारा सही हो गया, ये कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर आता है इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, क्रिएट अ मॉड्यूल स्क्रिप्ट। ठीक है जी, इसमें हम क्या करना है जी, इसमें हम बनाएंगे जी मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली हम स्क्रिप्ट कोई फाइल अगर ऐड करनी होती है स्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट की, तो हम ये लाइन लिख के ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट दैट यूजेस मॉड्यूल टाइप कैन नाउ यूज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फीचर्स यू विल लर्न अबाउट इन द अपकमिंग चैलेंजेस। आगे हम चैलेंजेस में देखेंगे। तो अभी क्या करें, डॉक्यूमेंट फाइल मॉड्यूल एंड गिव इट द सोर्स फाइल ऑफ इंडेक्स जेएस, हम टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लिख देते हैं, तो मॉड्यूल बन जाता है और आगे हम यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली ये एक्चुअली हम यूज नहीं करते, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, तो इसको मैं इसी बस जल्दी से कर लेते हैं, आगे ये बताएंगे जो एक्चुअल सिंटैक्स होता है जो हम यूज करते हैं वो आगे आएगा। Imagine a file, अब हमें use export to share a code block. अब हमें क्या करना है कि अब basically sharing code करनी है ना, module, अब यहाँ पे function, वो module होते क्या, module basically काम ये करते हैं कि यार आप एक जगह जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो दूसरी जगह आप यूज कर सकते हैं, एक फाइल से जो कोड लिखा है दूसरी फाइल में आपने यूज करना है, दोबारा वो कोड को ना लिखे ना, अब उस फाइल से एक्सपोर्ट कर लें दूसरे में इम्पोर्ट कर लें। ठीक है ना, तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के सिंटैक्स होते हैं, तो ये मॉड्यूलर सिस्टम होता है। ठीक है जी ना, इससे मॉड्यूल बन जाते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को और रीयूज कर सकते हैं मॉड्यूल्स को, हमें मल्टीपल जगहों पे चाहिए तो हमें बार बार वो कोड लिखना कभी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, हर फाइल में जाएगा जिस फाइल में यूज करना, बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करेंगे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर लीजिए, जनरल आइडिया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का।
Imagine a file called mathfunction.js that contains several functions. That contains several functions related to mathematical operations. One of them is stored in a variable add that takes in two numbers and returns their sum. ठीक है ना, जैसे add है उसमें, ठीक है ना, add और दो returns से return कर रहा है. You want to use this function in several different JavaScript files. In order to share it with these other files, you must first need to export it. अब अगर आपसे multiple files में अपने use करना है तो export करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके अलावा एक कॉमन वे टू एक्सपोर्ट अ सिंगल फाइल, बट यू कैन अचीव द सेम थिंग लाइक दिस. इस तरह आप कर लें एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, या फिर आप इस तरीके से कर लें, आप एक्सपोर्ट एंड में लिखें और कर्ली ब्रेसेस बना के जो भी आपका फंक्शन का नाम था वो यहाँ लिखते हैं. दोनों चीजें बराबर हैं. ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता था ना, ये तो एरो फंक्शन है, एड इज कॉन्स्ट, सॉरी ये कॉन्स्ट एड इज इक्वल टू, ये तो एरो फंक्शन है. उससे पहले आप एक्सपोर्ट लिख देंगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा. कोई दूसरी जगह पे भी आपने यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये नॉर्मल एरो फंक्शन बना के नीचे एक्सपोर्ट कर दें उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर. अगर दो फंक्शन है, ठीक है, जैसे ऐड भी है सब्ट्रैक्ट भी है, तो उसको हमारा के रिटर्न करते हैं. जैसे यहाँ पे अपर केस स्ट्रिंग है, लोअर केस स्ट्रिंग है, मुझे इन दोनों को एक्सपोर्ट करना है. तो मैं एक्सपोर्ट करके ब्रैकेट ब्रेसेस ओपन करूंगा और अपर केस स्ट्रिंग कॉमा लोअर केस स्ट्रिंग लिखूंगा और स्पेलिंग मेक श्योर करिएगा कि सही हो. ठीक है जी, तो हम रन करके देखते हैं, हमारा कोड चल रहा है बिल्कुल ठीक. अब हम आगे चलते हैं, रीयूज जावास्क्रिप्ट कोड यूजिंग इम्पोर्ट. अब हम ये कैसे ठीक, इसको किसमें क्या करना है हमें. अब वो तो हमने एक्सपोर्ट किया था ना, अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं था. अब हमें यूज, जैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूज करने से पहले हमें इम्पोर्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है जी, इस तरीके से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं. ठीक है जी, तो सिंपल एज दैट. अगर हमें यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अपर केस भी और लोअर केस भी, वो हमने बनाया था स्ट्रिंग फंक्शन से, तो हमें फाइल का नेम भी अपडेट करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये चीज कॉमा ये चीज. अब ये दोनों फंक्शन इसको मिल जाएंगे क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिए, वरना ये तो एरर आता ना इन दोनों में. अब एरर नहीं आएगा, हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा. आपको समझ में आएगा फ्री मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगाना मॉड्यूल होता है. ठीक है ना, ताकि वो अपर केस स्ट्रिंग लोअर केस स्ट्रिंग का कोड हमें यहाँ नहीं बार बार फंक्शन बनाने पड़ेंगे, हम यहाँ बस इम्पोर्ट करके यूज कर लेंगे. यूज स्टैटिक टू इम्पोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ फाइल. ठीक है जी, अब ये हम स्टैटिक से हम, अच्छा ये भी एक शॉर्टकट था कि अब हमें ना वो तो एड और सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई डिवाइड सभी अगर हमें चाहिए होते तो हम स्टैटिक यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, सर सारे आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिर एज यूज करना पड़ेगा और एक नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है ना, फिर उसके बाद डॉट एरर उसको, ताकि डॉट ऑपरेशन आप उस पर लगा के उसके जो भी उसमें से एक्सपोर्ट हो रहे थे फंक्शन वो आप यूज कर सकें. बस आपने ये इसलिए हमने करना पड़ा एज, सिर्फ स्टैटिक के केस में लाजिम है, उस लाजमी है. उन केसेस में ना, पिछले वाले केस में भी आप एज लगा सकते थे, इस केस में तो लाजमी है, उसमें भी आपका वो एक्सपोर्ट हो गया उस नए नाम में आता था तो, लेकिन यहाँ तो लाजमी है स्टैटिक में, क्योंकि स्टैटिक डॉट एड नहीं करेंगे हम, एज कर देंगे एलियास, ये एलियास क्रिएट कर देंगे हम इस फाइल को पॉइंट कर रहा हूँ. अब हमें इसमें क्या करना है, अब डॉट अपर केस और लोअर केस स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर हमें लेकर आना है. तो हमें पता है यार इंपोर्ट करेंगे स्टैटिक एज कि वो स्ट्रिंग फंक्शन डॉट कर रहा है, तो मैं इधर यही लिखूंगा और फॉर्म किस फाइल से इंपोर्ट कराना है जी, वो फाइल का पाथ हमें दिख नहीं रही है, लेकिन इन्होंने हमें बताया है अपनी रिक्वायरमेंट में, तो वही फाइल हम का पाथ हम लिख देंगे. ठीक है जी, और रन करके देखते हैं इंपोर्ट स्टैटिक हमारा ये रन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, योर कोड शुड प्रॉपरली यूज इंपोर्ट स्टैटिक एज. अच्छा जी, क्या मिस्टेक हुई है, फ्रॉम डॉट स्लैश. ठीक है जी, ये हमें करना है, रन करके देखते हैं बिल्कुल ठीक है, सही जी. अब हम आगे चलते हैं, क्रिएट एन एक्सपोर्ट फॉल बैक विद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट. ठीक है जी, अब डिफॉल्ट भी होते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी होते हैं. ठीक है जी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है जी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये करता है कि ये नन्ना पत्नी कितनी लंबी बात करी हुई है, एक फाइल के अंदर मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक आपने एक चीज़ डिफॉल्ट बनानी होती है. ठीक है जी, तो वो क्या होता है, आपका डिफॉल्ट वाली चीज़ एक ही होती है. तो यहाँ पर जैसे मुझे इसको डिफॉल्ट करना है, तो एक्सपोर्ट तो अच्छा इसमें ये भी होता है कि इसको इंपोर्ट करने का तरीका भी अलग होता है. जो इंपोर्ट हम कर रहे थे कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे, जब हम डिफॉल्ट वाली चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, वो फुली आगे बताएंगे भी, तो अगर नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ. तो डिफॉल्ट वाला जब इम्पोर्ट करना होगा तो अब एक ही आगे भी आएगा, तो एक ही डिफॉल्ट, तो आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते. ठीक है जी, इसको हम रन कर लेते हैं. जैसे बाय द वे फॉल बैक इसलिए कह रहे हैं कि यार अगर आपने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक्सपोर्ट अलग अलग किए हुए हैं कॉन्स्ट, उनमें से कोई नहीं मिलता तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वो चलता ही है आपका. और अच्छा जी, आगे चलते हैं.
इम्पोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जब इम्पोर्ट करने देखें, अब ये ऐड पहले हमने ब्रैकेट लगा के ऐड यूज़ किया था, अगर आपको याद हो ना, कर्ली ब्रेसेस लगाए थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉमा लगाए जा रहे थे। कर्ली ब्रेसेस हटा के हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे और कॉमा लगा के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पूरी फाइल में एक ही होता है। तो बगैर ब्रैकेट के जब भी कोई मॉड्यूल का नाम लिखा हो तो समझ जाए वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, अगर बगैर ब्रेसेस के यूज़ हो रहा है समझ जाए वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ से देखें, मैं इम्पोर्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अगर, तो यकीनन इन्होंने इस फाइल के अंदर ना इसको डिफॉल्ट इम्पोर्ट बनाया होगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके डिफॉल्ट लिख के एक्सपोर्ट किया होगा। अब वो कौन सी फाइल है, वो इनकी ये वाली फाइल है। ठीक है, अपना कोड रन करके देख लेते हैं। सही, आगे चलते हैं। क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। अब जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस क्या होते हैं, हम ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी, और पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रॉमिस, और बहुत ज़्यादा आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, इंटरव्यूज में भी पूछे जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिस क्या होते हैं, क्या करते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। और प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक, यू यूज इट टू मेक अ प्रॉमिस टू डू समथिंग, यूजली एसिंक्रोनसली। ज़्यादातर हम इसको एसिंक्रोनस बिहेवियर के लिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़, कोई टास्क है जो एसिंक्रोनसली होना है, जिसका एसिंक्रोनसली का मतलब पैरेलल में होना है। ठीक है ना, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वो कितनी देर में कंप्लीट होगा आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, एपीआई कॉल हो सकती है, आपकी डेटाबेस में सेव करना हो गया, ठीक है जी, डेटाबेस से फैच करना हो गया, वो आपको नहीं पता कि कितनी देर लेगा। तो या फिर आपकी कोई एपीआई कॉल है रिजल्ट लेने में कितना देर लेगी, तो आप अपने एसिंक्रोनसली जो होता है ना उसमें प्रॉमिस यूज़ करते हैं, तो वो और वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, तो उसके सक्सेसफुल या उसके फेलियर होने पर हमें अलग अलग हम एक्शंस ले सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करने में कौन मदद करता है, प्रॉमिसेस हेल्प करते हैं। तो व्हेन द टास्क कंप्लीट्स यू आइदर फुलफिल योर प्रॉमिस और फेल टू डू सो, तो आप दोनों ट्रैक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्रॉमिस अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो क्या करते हैं, हम पढ़ लें, प्रॉमिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सो यू नीड टू यूज़ द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट वन। हमें पहले भी हमने देखा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, बस ये सिंपल सा इसको इग्नोर करें। आप प्रॉमिस जब बना रहे हो तो आप न्यू प्रॉमिस आप यूज़ करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये। ठीक है ना, इट टेक्स अ फंक्शन, इसको छोड़ दो, मतलब याद रखें न्यू प्रॉमिस करके क्या बनाते हैं, इट टेक्स अ फंक्शन एज इट्स आर्ग्यूमेंट विद टू पैरामीटर्स। ठीक है ना, ये इसके अंदर एक फंक्शन ही आ रहा है, ये ओवरऑल एक फंक्शन है, एक एरो फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना, एक प्रॉमिस के अंदर एक पूरा एरो फंक्शन आ रहा है, और उसके अंदर उस एरो फंक्शन के भी दो आर्ग्यूमेंट है, दो इनपुट आर्ग्यूमेंट, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है ना, विद टू पैरामीटर्स रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, दीज आर मेथड्स यूज टू डिटरमिन द आउटकम ऑफ द प्रॉमिस। मजे की बात ये रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है मेथड है, अब ये बेसिकली लुक्स लाइक दिस, तो वो रिजॉल्व कॉल कर देगा या रिजेक्ट कॉल कर देगा जब अगर आपका प्रॉमिस सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप जो काम कर रहे थे, पे कॉल करी थी, आपने सक्सेसफुल हो जाए तो आप रिजॉल्व कॉल कर देंगे, या फेल हो जाए तो रिजेक्ट कॉल कर देंगे। जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन आपने करना हो यहाँ अंदर आप लिखेंगे, वो सक्सेस हो जाए तो रिजॉल्व, नहीं हो तो रिजेक्ट। तो क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस कॉल्ड मेक सर्वर रिक्वेस्ट, पास इट इन द फंक्शन, ये हमें बनाना है मेक सर्वर रिक्वेस्ट का। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, मेक सर्वर रिक्वेस्ट, नाम चेंज करना है मुझे, नाम चेंज कर लेते हैं, पास इन फंक्शन रिजॉल्व विद द पैरामीटर फंक्शन, तो हमने लिख दिया रिजॉल्व रिजेक्ट, यही हमें बनाना था, बस इसमें यही करना है। पूरा भी सिंटेक्स अभी आ गया है इसका प्रॉमिस का, कंप्लीट अ प्रॉमिस विद रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अब कंप्लीट कैसे करते हैं प्रॉमिस को, रिजॉल्व रिजेक्ट में इसको यूज करना पड़ेगा ना, इफ कंडीशन हियर, अगर ये ट्रू हो जाती है तो आप रिजॉल्व कॉल कर देंगे, अगर फेल हो जाती है तो आप रिजेक्ट कॉल कर देंगे। तो यहाँ इसका सिंटेक्स पूरा होता है प्रॉमिस का, ये हमने देख लिया। अभी न्यू प्रॉमिस करके आप प्रॉमिस बनाएंगे, और यहाँ पर कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो सकता है इससे ऊपर, इससे पहले भी यार एपीआई कॉल है, अब उसके देख लें, इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू इज नॉट एम्प्टी, या फिर इज इक्वल ट्रू, या स्टेटस कोड इज 200। ठीक है ना, तो आप बोल देंगे प्रॉमिस वाज ट्रूफिट, अगर या फिर लिख देंगे अगर वो एल्स है, अगर स्टेटस कोड इज 404 तब लिख देंगे रिजेक्ट को आप कॉल कर लेंगे। ये रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है, हार्ड कोडेड, ये रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है ना, ये समझ लें कि ये मेथड्स हैं, ये हम बाद में पास करेंगे, ये भी आगे आएगा कि रिजॉल्व और रिजेक्ट कैसे पास होंगे। तो प्रॉमिस का काम ये कि जो रिजॉल्व और रिजेक्ट किसे पास हो रहे हैं उसको कॉल कर देगा बस सिंपली, और ये चीज़ें उन्हें भेज देगा। ठीक है जी, डेटा होगा अगर तो डेटा भेज देगा, जो भी ऑब्जेक्ट भेजना है ऑब्जेक्ट भेज देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, लेकिन अभी तीसरी भी स्लाइड करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेक सर्वर रिक्वेस्ट न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, और यहाँ पे हमें करना क्या है वैसे, मेक द प्रॉमिस हैंडल सक्सेस एंड फेलियर, इफ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर इज ट्रू कॉल द रिजॉल्व मेथड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रॉमिस, पास रिजॉल्व स्ट्रिंग विद द वैल्यू वी गॉट डेटा, वी गॉट द डेटा। ठीक है जी, डेटा आ जाता है तो आप ये रिजॉल्व कॉल कर दें। अब हमें क्या करना है जी, रिजॉल्व कॉल कर देंगे और हम उसको ये लाइन भेजेंगे, और अगर एल्स रिजेक्ट कौन सी लाइन भेज दें, डेटा नॉट रिसीव्ड, रन करके देखते हैं, ये हमारा कोड सही है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं रिजॉल्व और रिजेक्ट की डिटेल भी देख लेते हैं। अब ये होता है, ये कब काम आते हैं, जब हम इसको
करते हैं जी यूज हैंडल अ फुलफिल्ड प्रॉमिस विद देम. तो अब हमें करना है प्रोमिसेस आर मोस्ट यूजफुल व्हेन यू हैव अ प्रोसेस दैट टेक्स एन अननोन अमाउंट ऑफ टाइम इन योर कोड. मैंने बताया था अननोन अमाउंट, हमें नहीं पता कि वो कितनी देर लगेगा. एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, समथिंग एसिंक्रोनसली लाइक एपीआई कॉल जो होती है ना, उसके लिए हम प्रोमिस के अंदर डाल देते हैं उसे, और फिर उसके बाद हम वेट करते हैं उसका कितनी भी देर में आ सकता है. तो अगर सक्सेस हो गया तो रिजॉल्व, अगर उसका एरर कोड 400 है हमने जो भी चेक लगाना है तो रिजेक्ट, अगर वो फेल होता है. तो यूजली सर्वर रिक्वेस्ट के लिए होता है. व्हेन यू मेक अ सर्वर रिक्वेस्ट इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर इट कम्प्लीट्स यू यूजली वॉन्ट टू डू समथिंग विद द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. ठीक है जी. दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग द देन मेथड. द देन मेथड इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर योर प्रॉमिस इज फुलफिल्ड विद रिजॉल्व. हियर इज एन एग्जांपल. अब ये क्या करना है, जो हमने न्यू प्रॉमिस बना लिया था, अब हम मेक, हम उसका डॉट देन कर देंगे. तो ये डॉट देन जो है ये बता रहा है कि ये सक्सेस के केस में चलना है इसमें. ठीक है जी. डॉट देन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट देन रिजल्ट, तो ये हमारा यूँ समझ लें ये हमारा रिजॉल्व का मेथड है. जो हम रिजॉल्व कॉल कर रहे हैं तो वो बेसिकली वी गॉट द डेटा, रिजल्ट में वी गॉट द डेटा आ जाएगा. सही. रिजल्ट कम्स फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट गिवन टू द रिजॉल्व मेथड. तो रिजल्ट कहाँ से, रिजॉल्व जो रिजॉल्व के अंदर चीज लिखी होगी वो रिजल्ट में आ जाएगी. तो ये पूरी चक्कर होती है साइकिल. यहाँ ये आपका पूरा हो गया, रिजॉल्व हो गया, अभी रिजेक्ट का भी होता है डॉट कैच और जेडास में आएगा. तो ये पूरी आपका एक प्रॉमिस का स्ट्रक्चर होता है. न्यू प्रॉमिस आप लिखते हैं, रिजॉल्व रिजेक्ट लिख देते हैं हार्ड कोडेड. इसके अंदर अगर आपने एक एक कॉल अगर करनी है जो भी वहाँ पे करेंगे, अभी हार्ड कोडेड ट्रू लिख दिया. यहाँ पे आपकी कोई एक कॉल भी हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है. अगर वो ट्रू हो जाता है तो रिजॉल्व कॉल कर देंगे, फेल हो जाता है तो रिजेक्ट कॉल कर देंगे. रिजॉल्व रिजेक्ट में कौन सी चीजें हैं, रिजॉल्व वो चल गया अगर तो डॉट देन का ब्लॉक चलेगा, और अगर फेल हो जाता है तो डॉट कैच का चलेगा. हम आगे देखेंगे, उसको भी रन करके देख लेते हैं. यू शुड लॉग रिजल्ट टू द कंसोल, लॉग भी करना है हमने. ये हमारा होता है कंप्लीट. हम आगे चलते हैं. हैंडल रिजेक्टेड प्रॉमिस, अगर वो फेल हो जाता है, देखिए उन्होंने फेल्स हार्ड कोडेड फेल्स कर दिया, तो अब ये डेटा नॉट रिसीव होगा. डॉट देन के बाद हमें एक और ब्लॉक होता है डॉट कैच का, इन्होंने बताया डॉट कैच, उसको हम यहाँ पे एरर लिख देंगे. और ये एरो फंक्शन ही बनाते हैं हमेशा से, और यहाँ पे हमें जो भी एरर के साथ करना हो कर सकते हैं. इन दिस केस हम खाली कंसोल डॉट लॉग करेंगे एरर को. तो ये आपके पूरा प्रॉमिस का सिंटैक्स होता है. न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, यहाँ पे कोई भी एपीआई कॉल लिखेंगे उसका, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स हम जो भी चेक लगाने हैं उसके एरर कोड को चेक कर लें. 200 है, 400 है, 200 यानी सक्सेसफुल, 400 यानी फेल. तो यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुल है तो रिजॉल्व कॉल कर दो, वरना रिजेक्ट. इन दोनों में से एक कॉल होगा, जब इन दोनों में से एक कॉल होगा, रिजल्ट कॉल हो गया तो समझें देन का ब्लॉक चलेगा, और अगर रिजेक्ट कॉल हो गया तो समझ लें आपके एरर कैच का ब्लॉक कॉल करेगा, कॉल चलेगा. ठीक है जी. अब रन कर लेते हैं. तो ये होता है हमारा 100% कंप्लीट ES6 का टॉपिक. अभी ये हमें ले गया अगले टॉपिक के ऊपर, कोई और सी चीज़ के ऊपर. हम जावास्क्रिप्ट पे आते हैं और इसके हमारे ES6 के टॉपिक होते हैं 29 of 29 कंप्लीट. यहाँ आपकी ES6 के सारे बेसिक फीचर्स रिवाइज हो गए हैं. आप 29 के 29 करें. इसमें अभी भी एसी का बिट मिसिंग है और मैप रिड्यूस फिल्टर भी मिसिंग है. मैप रिड्यूस फिल्टर तो मेरे ख्याल से इसमें आएगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह कवर करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे ES6 से बाकी काफ़ी सारे मेन टॉपिक्स जो हैं वो आपके 70-80% जो है कवर हो गए इसमें. तो इंशाल्लाह बाकी जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियोस में. सो स्टे ट्यून्ड. बाकी आप लाइक सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं बेल आइकन पे क्लिक करें और कमेंट्स करें. कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें और ईमेल करें. अगर आपको कोई कंसर्न है आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. एंड इफ़ यू आर लर्निंग फ्री कोड कैम, इफ़ यू आर डूइंग फ्री कोड कैम, यू वर्किंग ऑन फ्री कोड कैम, यू कैन जॉइन अवर सेलेक्ट चैनल सो दैट वी कैन मोटिवेट ईच अदर. सो वी ऑलरेडी हैव अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन फ्री कोड कैम एंड शेयरिंग देयर प्रोग्रेसेस. सो इट विल बी गुड टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड लर्न टुगेदर. So stay tuned, see you in the next video.